हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन आइस। मिशन आइस के द्वारा हम एनसीईआरटी रिलेटेड कोर्स देते हैं, जिसमें हम अब स्टार्ट करेंगे आज से पॉलिटी की एनसीईआरटी स्पेसिफिकली। हमने हिस्ट्री की एनसीईआरटी स्पेसिफिकली कवर की, जिसमें हमने एंशंट हिस्ट्री का जो मेजर पोर्शन था वो कवर किया था। मेडिवल हिस्ट्री मैंने कहा था कि इतना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस है बहुत ज़्यादा ट्रिकी है और एक ही क्वेश्चन आता है हर साल, तो हमें उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे वही एरियाज हमें कवर अप करने हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री हमने टोटल देखा, जिस पर मैक्सिमम क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे, और ज्योग्राफी स्पेसिफिकली हमने कवर अप किया है पूरा का पूरा। मतलब उसमें फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट किया है, उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है। उसके साथ हमने ह्यूमन ज्योग्राफी देखा, जिसमें पॉपुलेशन वगैरह या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड्स के रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रीलिम्स और मेंस में। और हमने इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखा, जिसमें कुछ सेक्टर्स हैं जो हमें पूछे जाते हैं, और कभी कभी वो सेक्टर जो है वो लिंक किए जाते हैं आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस के साथ, इसलिए हमें कंबाइन क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्रीज पर अगर क्वेश्चन पूछा गया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज अगर पूछा गया तो कुछ टॉपिक जो है वो इकोनॉमिक्स के भी डाले जाएंगे, कि रिसेंटली कौन सा इन्वेस्टमेंट मॉडल चल रहा है या फिर कौन सी नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी चल रही है, उसके क्या एम्स है, ठीक है। स्टील इंडस्ट्रीज होगी, कोल, गैस, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज होगी, इसके रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज आपके न्यूज़ में आती है साल भर में, वो आपको प्रीलिम्स में या फिर मेंस में पूछी जाए। आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के एनसीईआरटीज, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस नियर अबाउट 15 टू 20 क्वेश्चंस के आसपास हर साल प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और जीएस पेपर 2 तो स्पेसिफिकली पॉलिटी का, सोशल जस्टिस का और आईआर का है, ठीक है। सो आज हम सिलेबस पहले देखते हैं कि डिटेल में सिलेबस क्या है आपका प्रीलिम्स का और मेंस का, क्या क्या टॉपिक्स के आपको, कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी। और क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे कल से, तो हम वही एनसीईआरटीज कवर अप करेंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी की सारी नहीं है हमारे लिए, जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे वही एनसीईआरटीज हम कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कौन कौन से टॉपिक है सिलेबस में। ये कुछ माइक्रो टॉपिक्स हैं जो आपको बेसिकली कहीं नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो आपको ओवरऑल सिलेबस दिया आपका प्रीलिम्स का, पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा प्रीलिम्स में नोट डाउन है, और मेंस में स्पेसिफिकली कुछ डिटेल, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए, ठीक है। लेकिन डिटेल में कौन कौन से टॉपिक है ये हम समझ लेते हैं पहले तो, ठीक है, जो हमें एनसीईआरटी से भी कवर अप करने हैं। और जब आप रेफरेंस बुक्स पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल एप लक्ष्मण पढ़ते हो या फिर डीडी बसु पढ़ते हो, तब आपको यही टॉपिक्स फिर से उसमें अराइज होंगे जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं और उसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, ठीक है। सो सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। पहला तो है कि हिस्टोरिकल इवोल्यूशन एंड फीचर्स क्या है। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन और फीचर्स किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन उसके पहले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है गठित हो गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ठीक है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ड्राफ्ट किया, ठीक है, उसके बाद फिर वो अडॉप्ट हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बना है, उसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, उसके साइलेंट फीचर्स क्या है, क्या क्या चीज़ें उसमें डाली गई है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हर साल कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके फीचर्स के बारे में, उसके साइलेंट फीचर्स होंगे, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। क्योंकि हम देखते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री जब हमने एंड किया था, तब मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ते हुए अलग अलग प्रकार के एक्ट्स आए थे, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट्स आए थे, फिट्स इंडिया एक्ट आया था, काउंसिल एक्ट आए थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, तो इससे ही बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड की गई। जैसे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ही बहुत सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई, अडॉप्ट की गई, बहुत सारी, ठीक है। सो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में हम इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस, क्या चीजें उसमें ऐसी फीचरेबल है या फिर ऐसे फीचर्स है जो अलग अदर कॉन्स्टिट्यूशन में, अलग वर्ल्ड में जो जितने भी कंट्रीज है जिनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उनमें हमें नहीं दिखते, और इंडिया और अदर कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या फर्क है, क्या फीचर्स है, ठीक है। उसके बाद हिस्टोरिकल इवोल्यूशन, यानी क्या 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 चीज़ें हमें हिस्ट्री से उसमें डाली गई। जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सारे एक्ट जो पास किए गए थे बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे बहुत सारी चीज़ें हमने देखा था, बाय कैमलरिज्म का कंसेप्ट आया था, उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट आया था, ठीक है, इलेक्शंस, बजट, ये सारी चीज़ें इवॉल्व हुई थी, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें ली गई, इवॉल्व कैसे हुआ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का रोल क्या था, क्या क्या चीज़ें उनने वहाँ पे डिस्कस की, ठीक है। तो उसके लिए आपके राज्यसभा टीवी पर
एक आपको सीरीज मिल जाएंगी संविधान की, ठीक है, ये सीरीज जरूर देखना, ठीक है। इसमें नियर अबाउट मुझे लगता है 10 to 15 पार्ट्स है टोटली, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें दी गई है कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई थी, उसमें कौन कौन से मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी जिसके हेड थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके साथ और कौन लोग काम कर रहे थे, किस तरह से ड्राफ्ट किया गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से एक एक सारे पहलू पर, एक एक आर्टिकल पर चर्चा की गई, किस तरह से कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई कुछ जगहों पर, जैसे SC ST रिजर्वेशन के जरिए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट होती है, किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और किस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली काम करती है, पूरी की पूरी सीरीज है वो संविधान की, ठीक है। उसके साथ एक और 8 लेक्चर की भी सीरीज है जो इसी का गिस्ट बनाया है उन्होंने, ठीक है। ये रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले उन्होंने अपलोड की, संविधान जो सीरीज है बहुत पहले की है, मतलब पहले के मतलब जो सारी चीजें वो ऑलरेडी उन्होंने कवर अप की है, लेकिन आज से करीबन 4-5 साल पहले की वो अपलोड की गई है, ठीक है। सो राज्यसभा ट्यूब पर ये सारा मटेरियल अवेलेबल है, आपको देखना है वो, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमें समझ में आ गया तो सारी पॉलिटी गवर्नेंस सारा समझ में आएगा, ठीक है। सो उसके बाद देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, साइलेंट फीचर्स क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, यूनिटरी फीचर्स क्या है, फेडरल फीचर्स क्या है, अभी ये टर्म्स आएंगे ये सामने कि किस तरह से यूनिटरी और फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने एक्सेप्ट किया है, ठीक है, कई कंट्रीज में हमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मिलता है, लेकिन हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया जो हमें इंग्लैंड में भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो इंग्लैंड से ही वो कंसेप्ट हमने इन्वॉल्व किया है, हमने एक्सेप्ट किया है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या राइट्स के, अधिकारों के, पावर्स के क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं वो भी देखेंगे हम, और किस तरह से जहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल USA है, तो वहाँ पे कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल उनकी डेमोक्रेसी है, या फिर किस तरह से उनकी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सक्सेसफुल हुई है। और इंडिया ने जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली है वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मानी जाती है इन डेमोक्रेसी में, अदर डेमोक्रेसी के तुलना में, तो वो किस तरह से इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे, ठीक है। उसके बाद पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ, ये डिफरेंस। उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स वगैरह, एक्ट्स वगैरह, अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की है, क्या क्या इन्वॉल्व की है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर डिटेल में आ जाती है सारे कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ें। पहला तो है हमारा प्रीएम्बल, जिसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका सोल यानी क्या, उसका सार, एक समरी जो हमारे इसमें दिखते हैं प्रीएम्बल में दिखते हैं। तो प्रीएम्बल में बहुत सारी चीज़ें, कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट जो डाले गए हैं, ठीक है। तो बेसिक फीचर्स क्या है हमारे प्रीएम्बल्स के, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज हैं उसमें, जैसे डेमोक्रेटिक डाला गया है, सॉवरिन डाला गया है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, रिपब्लिक है, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और इंटीग्रिटी, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे प्रीएम्बल में डाली गई। तो उनके मीनिंग्स क्या है और वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, मीनिंग्स प्रेजेंट कंटेक्स्ट में क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप, ठीक है, अभी NRC आया था, है ना, तो सिटीजनशिप फिर से न्यूज में आया, ठीक है। तो सिटीजनशिप क्या है, बेसिक फीचर्स क्या है, किस तरह से हमें हमारी सिटीजनशिप मिलती है, उसके क्राइटेरियाज क्या है, अलग अलग प्रकार के क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। बाहर के लोगों को कैसे सिटीजनशिप ग्रांट की जाती है, अगर हम किसी और देश की सिटीजनशिप ग्रांट अगर करते हैं या फिर हमें मिल जाती है तो हमारी सिटीजनशिप चली जाती है या वैसे ही रहती है, ठीक है, ये भी देखेंगे हम, ठीक है। तो उसके क्राइटेरियाज क्या है, मेथोडोलॉजी ऑफ गेटिंग सिटीजनशिप, उसके बाद मोड्स ऑफ लूजिंग द सिटीजनशिप, कैसे हम हमारी सिटीजनशिप खो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे इंडिया में है या नहीं, जैसे हमें US में मिलता है ना, US में स्टेट्स के भी सिटीजनशिप मिलती है और यूनियन की भी सिटीजनशिप मिलती है, तो दो सिटीजनशिप रहती है उनकी, तो इंडिया में इस तरह का कंसेप्ट है या नहीं, ठीक है, वो भी देखेंगे। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, ये तो पार्ट अभी निकाल ही दिया है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अभी टेरिटोरी बन गई है, ठीक है ना, टेरिटोरी है वो, ठीक है। तो उसके पहले तो सिटीजनशिप, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन भी अलग था, ठीक है, वहाँ पे कुछ बेसिक प्रोविजंस उनको आर्टिकल 370 के तहत मिले थे, ठीक है। तो अभी ये तो टॉपिक्स निकल गया हमारा, ठीक है, क्योंकि वो एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर करके, ठीक है। स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय सिटीजन्स ऑफ इंडिया, क्या स्पेशल
प्रिविलेजेस है इंडिया के सिटीजन्स को जो बाहर के फॉरेनर्स को नहीं मिल पाते, ठीक है, तो उनमें क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हर बार चर्चा में रहता ही, आपके न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ चीजें आएंगी इसके बारे में, जो है फंडामेंटल राइट्स। तो महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है फंडामेंटल राइट्स का, वो देखेंगे। उसके बाद कुछ राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किए गए, जिसमें पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी क्या है स्पेशली, ठीक है, जो 12 से आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल्स क्या है, किस रिलेटेड ये आर्टिकल्स है, राइट टू इक्वालिटी के कितने आर्टिकल्स है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस है, हमारे इंडियन सिटीजन्स को कौन से लागू है, कौन से फॉरेनर्स को है ना, ठीक है, वो भी देखेंगे। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच आता है, एक्सप्रेशन आता है, ठीक है, बोलने की आज़ादी, सवाल पूछने की आज़ादी, ये जो हम सुनते हैं ना हर बार कि मीडिया को कुछ राइट्स दे है, इंसानों को भी यानी ह्यूमन सिटीजन्स को भी कुछ राइट्स दिए गए कि वो सवाल कर सकते हैं, है ना, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको, तो राइट टू फ्रीडम क्या है। उसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लोगों का अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी अलग अलग ग्राउंड्स पर, सेक्स, रिलीजन, कास्ट वगैरह, इस ग्राउंड्स पर अगर उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उनको कुछ राइट्स ग्रांट किए गए, ठीक है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी दिखते हैं हमारे इंडिया में, तो अलग अलग प्रकार के रिलीजन हैं, ठीक है, कुछ माइनॉरिटीज़ में है, कुछ मेजॉरिटी में है, तो सब रिलीजन्स एक साथ हमारे यहाँ अगर रह रहे तो उनकी भी रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो कभी हमें ऐसी घटनाएं भी मिलती है कि हिंदू और मुस्लिम बीच में कम्युनल राइट्स हो गए या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई, अलग अलग रिलीजन बीच बीच में न्यूज़ में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ फ्रीडम भी दिए गए रिलीजन्स को, ठीक है, कि क्या क्या फ्रीडम्स उनको ग्रांट किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स दिए गए हैं स्पेशली फॉर द माइनॉरिटीज, तो वो क्या दिए गए उनको, ठीक है, उनका कल्चर या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बचाने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। उसके बाद राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कुछ रेमेडीज भी प्रोवाइड की गई है, वो भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये दो प्रकार के प्रोसेस है जिसको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ठीक है। ब्रिट्स एंड देयर यूजेस, ये ब्रिट्स वगैरह आपने अगर दृश्यम मूवी देखी होंगी अजय देवगन की, वो बहुत अच्छी मूवी है, वो एक बार देख लेना। दृश्यम मूवी में ब्रिट्स हिबिस कॉर्पस क्या होता है वो दिया है उसमें, ठीक है, तो ब्रिट्स का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है, ठीक है, हिबिस कॉर्पस, अलग अलग प्रकार के सर्टियोर और एक वो ओरोंटो वगैरह, ठीक है, मैंडामस वगैरह, तो अलग अलग प्रकार के ब्रिट्स हैं, ठीक है, जो अगर एक आधा सिटीजन जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है या फिर कुछ ऑथोरिटी जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकती है, जिसके वजह से वो अप्रोच कर सकते हैं इन द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, तो ब्रिट्स का स्पेशली। उसके बाद रेस्ट्रिक्टिव लिमिटेशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स, ये सारे हमें राइट्स दिए गए हैं लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाली गई है, क्योंकि हम भी खुद उसका वायोलेशन ना करें, इसलिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी डाली है, कुछ लिमिट्स भी डाली हमारे फंडामेंटल राइट्स पर, यानी मूलभूत जो हमारे राइट्स है, हक है उस पर, ठीक है। उसके बाद आता है डीपीएसपी, जैसे हमें कुछ अधिकार ग्रांट किए गए उसी तरह से डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, कुछ तरह की गाइडलाइंस भी प्रोवाइड की गए बाय द सेंटर या फिर कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट्स, तो स्टेट्स के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है, किस तरह से उनको, जिसको मार्गदर्शक तत्व भी कहा जाता है, यानी क्या कि उनको इन मार्गदर्शक तत्वों पर यानी इस गाइडलाइंस पर ही चलना होता है, अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है, ठीक है। तो बेसिक फीचर्स क्या है डीपीएसपी के, डायरेक्टिव्स क्या क्या इन्वॉल्व किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द स्टेट्स स्पेशली। उसके बाद इकोनॉमिक एंड सोशल डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है यानी डायरेक्शंस देने वाले, ठीक है, तो डायरेक्शंस क्या क्या प्रोवाइड की जाती है, कौन से रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड और सोशल रिलेटेड, ठीक। उसके बाद गांधीयन डीपीएसपी क्या था, गांधीयन कंसेप्ट क्या था, गांधी जी ने बहुत सारे डीपीएसपी जो उन्होंने उस टाइम बताए थे, एक्चुअल में वो डीपीएसपी करके तो उस टाइम उन्होंने नहीं बताए थे, लेकिन जो उनके प्रिंसिपल्स थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, ठीक है, सो उनके जो डायरेक्शंस थे वो भी कुछ ऐड किए गए, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव डीपीएसपी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर स्टेट्स को किस तरह से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है। उसके बाद डीपीएसपी रिलेटेड विद द इंटरनेशनल पीस, इंडिया जो है आसपास के कंट्रीज के साथ भी हमें, या फिर एक स्टेट है उसके आजू बाजू के स्टेट के साथ उनको पीस मेंटेन करना होता है, अच्छे रिलेशन मेंटेन करने होते हैं, तो किस तरह से उनको डीपीएसपी जो है वो हेल्प करता है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, क्या क्या उसके आर्टिकल्स हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकता है, उसके
रूल्स रेगुलेशंस क्या क्या है वो देखेंगे, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में क्या अंतर है और किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको प्रॉपरली डिफाइन किया है, क्या अंतर है दोनों में, ठीक है। एक स्पेसिफिक सिटीजन्स को दिए गए ग्रांट, एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस है सिर्फ, ना कि राइट्स है, अधिकार है, ठीक है। एक तरह की डायरेक्टिव्स ही है सिर्फ, कि गाइडलाइंस है कि आप इस तरह से रह सकते हो, इस तरह से आप खुद को एडजस्ट कर सकते हो, इस तरह से आपका एडमिनिस्ट्रेशन चल सकता है, इस तरह से आपकी इकोनॉमी चल सकती है आपकी स्टेट से, इस तरह से आपकी सोशल एडमिनिस्ट्रेशन भी चल सकता है। तो एक तरह की वो डायरेक्शंस प्रोवाइड किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सो फंडामेंटल राइट्स के बाद डीपीएसपी, डीपीएसपी के बाद कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो हमें फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी है देश के प्रति, तो हमारी कुछ ड्यूटीज भी है, ठीक है। तो इस तरह के 11 ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, ठीक है। तो आर्टिकल 51 ए में वो ऐड की गई है, तो वो डिटेल में हम देखेंगे, ठीक है, किस तरह से ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, उनके फीचर्स क्या है, ठीक है, और लिंक ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या लिंकेजेस है, क्या डिफरेंस है, ठीक है, इस तरह की चीजें हम देखेंगे। अदर प्रिंसिपल्स है कुछ जो हमें दिखते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली, कि लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसे हमारे, किस तरह से लॉज क्रिएट होते हैं, एक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, और फिर बाद में वो एग्जीक्यूटिव हमारे इंडिया में टोटली इंप्लीमेंट करती है। तो किस तरह से हमारे लॉ मेकिंग बॉडी है, किस तरह से दो जो सभागृह होते हैं लोकसभा और राज्यसभा, किस तरह से वो पास होता है एक सभा से दूसरे सभा में बिल जो होता है वो, उसके बाद फिर किस तरह से उसको असेंट मिलता है, किस तरह से वो प्रोसीजर है वो देखेंगे। उसके बाद रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में गठित गई यानी कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, संविधानिक बॉडी जिसको कहा जाता है, उसके साथ साथ कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, ठीक है, कुछ क्वासी जुडिशियल भी है, कुछ स्टैट्यूटरी बॉडीज भी है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के बॉडीज क्रिएट की गई है, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन है उनको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, और अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन होगी उनको कहा जाता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ इट इवॉल्व्स, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, यानी क्या कि सरकार भी उस बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज रिक्वायर्ड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या मेजोरिटीज हमें देखने को मिलती है जब लॉ पास होता है या फिर कुछ बिल पास होता है, तो अलग अलग प्रकार की आपने सुना होगा सिंपल मेजोरिटी है ना, स्पेशल मेजोरिटी, इस तरह के कुछ मेजोरिटी होती है, वो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स तो आएगा ही हमारा, उसके बाद डॉक्ट्रिन टर्मिनोलॉजीज कुछ है जो अलग अलग प्रकार के डॉक्ट्रिन्स हमें देखने को मिलते हैं जो इवॉल्व भी किए हैं और अडॉप्ट भी किए हैं बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशन या फिर अदर कंट्रीज, ठीक है, वो भी देखेंगे अलग अलग प्रकार के डॉक्ट्रिन्स क्या है। उसके बाद एक चीज आती है वो है इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, सेंटर है, स्टेट है और लोकल गवर्नमेंट है ना, तो इन स्पेसिफिकली इन दोनों में सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, स्टेट्स को अलग अधिकार है, सेंटर को अलग अधिकार है, ठीक है। अभी अपने कोविड में सिचुएशन देखी होंगी कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया था है ना, तो सारे के सारे राइट जो है सेंटर ने अपने हाथ में ले लिए थे, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है स्टेट्स में, किस तरह से वैक्सीनेशन करना है, अभी भी वैक्सीनेशन के सारे राइट सेंटर के पास है ना, कितने अमाउंट में उनको प्रोवाइड करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये सारे के सारे राइट्स क्या चले गए सेंटर के पास में चले गए। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है ग्राउंड रूट लेवल पर, स्टेट्स चला रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, लेकिन फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है रिलेटेड विद द पैंडेमिक, सेंटर ले रहा है। तो इन दोनों में राइट्स का डिफरेंस क्या है, कौन से अधिकार सेंटर को ग्रांट किए गए, कौन से अधिकार स्टेट को ग्रांट किए गए, ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंस देखेंगे, इसको कहा जाता है सेपरेशन ऑफ पावर। जो सेंटर और स्टेट में सेपरेशन ऑफ पावर दिखता है वैसे ही हमें जुडिशियरी में भी दिखता है, ठीक है, हायर लेवल पर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं, ठीक है, तो इस तरह से जुडिशियरी में भी हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स देखने को मिलता है, लेकिन हमारी जुडिशियरी जो इंटीग्रेटेड है, ठीक है, वो क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो फीचर्स इन अमेरिका एंड यूके कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स क्या है, स्पेशली हमने जो यूके से कंसेप्ट लिए है और अमेरिका से कुछ कंसेप्ट अडॉप्ट किए, तो ये क्या डिफरेंस है इसमें, कौन कौन सी चीजें हमने लिए उनमें रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ पावर्स। उसके बाद चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस के क्या क्या प्रोविजंस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद चेक्स एंड बैलेंस यानी चेक करना, चेक रखना, नियंत्रण रखना और
स्थिति को मेंटेन यानी बैलेंस रखना, यानी सेपरेशन ऑफ पावर भी हमें दिख रहा है तो सेंटर कुछ चीजों के लिए चेक करेगी, चेक रखेगी, यानी ध्यान रखेगी कि सेंटर कुछ ऐसी चीजें या फिर ऐसे लॉज या फिर ऐसे डिसीजंस ला ना ले जो ओवरऑल अफेक्ट करे सारे चीजों को। और सेंटर और ये जो चेक रख रहा है एक दूसरे पर, तो क्या है कि इनमें बैलेंस भी होना चाहिए ताकि स्टेट्स को कुछ चीजों की जरूरत पड़े तो सेंटर से डिमांड कर सके। यानी क्या कि चेक भी रखना है और बैलेंस भी मेंटेन रखना है रिलेशंस में, ठीक है। तो चेक्स एंड बैलेंस क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये क्या है और इस ये कहां से इन्वॉल्व किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो डिटेल में हम देखेंगे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिस्कस किया, ऑब्वियसली सारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया गया, तो वर्ल्ड की जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जिन्होंने जो अच्छी तरीके से चल रही है इंडिया इंडिपेंडेंट होने से पहले भी, ठीक है, तो उन्होंने किस तरह के अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसमें कौन कौन से फीचर्स उन्होंने उनके कंट्री के हिसाब से डाले थे, उनके ज्योग्राफी के हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, उनके सोसाइटी के हिसाब से, उनके इकोनॉमी के हिसाब से, उनके पॉलिटी के हिसाब से क्या क्या फीचर्स उन्होंने इंक्लूड किए, वो हमारे लिए कितने फायदेमंद हो सकते हैं हमारे इकोनॉमी पॉलिटी सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज, अदर कंट्रीज के साथ हम कंपैरिजन देखेंगे और कौन कौन सी चीजें हमने अडॉप्ट की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी देखेंगे। उसके बाद आता है स्पेसिफिकली यूनियन एंड स्टेट्स, यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। इनमें स्पेसिफिकली स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन हमारे गठित की गई थी, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। तो हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमें आज़ादी मिलने के बाद बहुत सारे स्टेट्स कंबाइन भी थे, उसके बाद फिर बहुत सारे स्टेट जो है अलग अलग हुए थे, अभी रिसेंटली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुआ, ठीक है। तो रीऑर्गेनाइज कैसे स्टेट किए जाते हैं, उनके पीछे क्या वजह होती है, कौन कौन से आर्टिकल्स काम करते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस होते हैं, ठीक है, इस तरह से, और किस तरह से वो बिल पास होता है, उसकी प्रोसीजर क्या होती है रीऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, वो भी देखेंगे। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इंडियन टेरिटोरी, इंडियन टेरिटोरी एज अ होल मानते हैं हम, ठीक है, यूनियन है ना, यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं हम, तो इंडिया एज अ होल टेरिटोरी अगर मानते हैं हम तो उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अगर नया स्टेट बनाना है, ठीक है, अभी महाराष्ट्र में चल रही थी कि विदर्भ आप नया बनाओ, तो उसके पीछे प्रोसीजर क्या होती है, क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, वो क्राइटेरियाज अगर फुलफिल कर रहे तो आगे की प्रोसीजर क्या हो सकती है, ये भी हम देखेंगे जब न्यू स्टेट बनता है या फिर न्यू स्टेट बनने की डिमांड आती है, ठीक है। उसके बाद जोनल काउंसिल्स क्या होते हैं, जोन्स बनाए गए हमारे इंडिया में ही स्पेसिफिकली, तो जोन्स कौन कौन से बनाए गए, आपने रेलवे के जोन्स सुने होंगे, है ना, स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, सदर्न रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, तो इस तरह से इंडिया में भी कुछ जोन्स क्रिएट किए गए हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटोरीज कितनी है हमारे इंडिया में, ठीक है, अभी रिसेंटली दो यूनियन टेरिटोरीज ऐड हो गई, दो यूनियन टेरिटरीज कंबाइन भी हो गई, दादर नगर हवेली जो है, दीव दमन, ये कंबाइन हो गए, एक ही बन गई जो पहले दो थी, और जम्मू एंड कश्मीर जब 370 आर्टिकल हटाया गया तब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दो अलग से यूनियन टेरिटरीज बनाए, ठीक। सो यूनियन टेरिटरीज क्या है, उनके पास क्या राइट्स होते हैं, उनको कौन चलाता है, जैसे स्टेट्स में हम देखते हैं सेंट सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं, यूनियन टेरिटरीज में कौन हेड होता है, उनके पास क्या अधिकार होते हैं, ठीक है। उसके बाद स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्टेट्स, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल प्रोविजंस ग्रांट किए गए बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या स्पेशल प्रोविजंस है। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कि फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है यूनियन और स्टेट्स की भी दोनों की, ठीक है। तो रेगुलेटिंग फंक्शंस क्या है, किस तरह से वो खुद को रेगुलेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्टेट का भी और सेंटर का भी। उसके बाद डेवलपमेंट फंक्शंस क्या है, उसके बाद सर्विस प्रोवाइडिंग फंक्शंस क्या है, अलग अलग प्रकार के किस तरह से सर्विस वो प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद ये जो सारी चीजें ये प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करती है, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, सेंटर और स्टेट्स में स्पेसिफिकली, अगर सेंटर को कुछ चीजें कुछ रेगुलेशंस कुछ नोटिफिकेशंस कुछ ऑर्डर्स अगर स्टेट्स लेवल पर अगर अप्लाई करनी हो तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी भी क्रिएट होती है, कुछ स्टेट्स मना कर देती है उसको तो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स इम्प्लीमेंटेशन में किस तरह के आते हैं ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्पेसिफिक एक्ट और स्पेसिफिक ऑर्डर्स। उसके बाद रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके रिलेटेड आपने ये भी देखा होगा प्रॉब्लम्स में कि अभी जो 3 एक्ट पास हो गए थे बाय ऑफ द एग्रीकल्चर, तो कुछ स्टेट्स ने उसको लागू भी कर दिया, कुछ स्टेट्स ने मना कर दिया उसको, लागू नहीं किया अभी तक भी, तो ये क्या हो गई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक। उसके बाद रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट,
ये सारी चीजों से काउंटर करने के लिए क्या रिकमेंडेशंस हो सकते हैं, इंप्रूव करने के लिए रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, ठीक है। उसके बाद इंटर रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, इनमें क्या तालमेल है तीनों में भी, यूनियन, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट स्पेशली, ठीक है, उनका रोल क्या है और किस तरह से सेंटर से चीजें लोकल गवर्नमेंट तक के इंप्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, किस तरह से, ठीक है। हम लोकल में देखते हैं ना, पंचायत से म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है, तो इस तरह से लोकल गवर्नमेंट भी हमारी बनी है, ठीक है, उन तक के सरकार के सेंटर के एक्ट्स कैसे पहुंच पाते हैं, किस तरह से, और कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है उसकी इंप्लीमेंट करने की स्पेशली। जैसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं आईएएस ऑफिसर होते हैं, कलेक्टर होते हैं, जिनके जिनका काम मेन यही है कि सरकार के सारे योजनाओं को इंप्लीमेंट करना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, उनको सुपरवाइज करना कि अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है या नहीं हो रही है वो स्कीम्स, ठीक है, तो इस तरह से इंप्लीमेंटर भी है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड विद द फाइनेंशियल डिवोल्यूशन, फाइनेंशियल डिवोल्यूशन कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती है फाइनेंशियल रिलेटेड, तो उसके रिलेटेड क्या क्या प्रोविजंस है हमारे इसमें, जैसे हम देखते हैं ना इमरजेंसी है, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी होती है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, और प्रेसिडेंशियल रूल भी होता है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा ये सरकार बनने से पहले प्रेसिडेंशियल रूल आ गया था, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल रूल क्या होता है, उसके आर्टिकल्स क्या है, क्या क्या अधिकार चले जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल डिवोल्यूशन के कुछ इश्यूज भी देखेंगे, फेडरल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर माने क्या वो भी हम देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस क्या होते हैं फेडरल स्ट्रक्चर्स में, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, ठीक है, मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, ये इमरजेंसी रिलेटेड ही है, तो मिसयूज कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्करेंट लिस्ट, जब ब्रिटिशर्स ने कुछ एक्ट्स बनाकर उन्होंने बजट का इंट्रोडक्शन किया था तब उन्होंने भी लिस्ट बनाई थी, ठीक है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की लिस्ट भी होती है, ठीक है, तो बजट में जैसे लिस्ट के तहत ही जो सुविधा है वो प्रोवाइड की जाती है, ग्रांट्स दी जाती है, ठीक है, तो कुछ जो विषय है वो सेंटर के पास है जिसको सेंट्रल लिस्ट कहा जाता है, कुछ अधिकार विषय जो स्टेट लिस्ट में आते हैं वहां पर उस विषय पर स्टेट्स ही अपने अधिकार या फिर एक्ट पास कर सकती है, जिसमें जो आता है उसमें सेंटर ही पास कर सकती है, और कुछ आते हैं जो इनके दोनों के बीच में आते हैं उसको कहा जाता है कॉन्करेंट, यानी उस पर सेंटर भी एक्ट कर सकती है और स्टेट्स भी एक्ट्स बना सकती है, डिसीजंस ले सकती है, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट का मसला आता ही है क्योंकि ये तो अपने अपने हिसाब से कर लेंगे, सेंटर अपने हिसाब से कर लेगा स्टेट लिस्ट, लेकिन जब कॉन्करेंट लिस्ट पर कुछ डिसीजन लेने की बात आती है तो सेंटर जब लेती है तो स्टेट मना कर देगी, स्टेट लेगी तो सेंटर मना कर देगी, तो कॉन्ट्रोवर्सी फिर से क्रिएट होगी, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो हर बार न्यूज में आती है हमारे। उसके बाद इश्यूज रिलेटेड विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, स्टेट में जैसे सीएम रहते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रहते हैं जिनका नाम होता है गवर्नर, ठीक है। तो हमारे महाराष्ट्र के जो गवर्नर है बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए थे, ठीक है, पिछले महाविकास आघाड़ी बनने से पहले, ठीक है, बहुत सारे कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजंस भी लेते उन्होंने, तो गवर्नर की पूरी पोस्ट ही न्यूज में आ गई थी। तो इस बार एक्सपेक्टेड है प्रीलिम्स में भी गवर्नर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंस में रोल ऑफ द गवर्नमेंट्स भी पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पुअर डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंसिस, सेंटर और स्टेट में जब फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आता है पैसे देने का तो किस तरह से उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, जैसे हम जीएसटी सुनते हैं ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो सारे के सारे जो कलेक्टिंग टैक्स के राइट्स है वो सेंटर के पास है, तो सेंटर जितना भी टैक्स कलेक्ट किया गया उसमें से कुछ शेयर्स बनाए उन्होंने, कितना स्टेट्स को इतना हम देंगे, ये शेयर स्टेट्स का इतना इतना शेयर है, तो कुछ स्टेट्स को कम मिल रहे हैं, कुछ स्टेट्स को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है कि हमें ज़्यादा चाहिए हमारे डेवलपमेंट के हिसाब से, आप हमें कम दे रहे हो तो किस तरह से हम डेवलपमेंट करेंगे, तो एक कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रिजर्विंग बिल फॉर प्रेसिडेंशियल अप्रूवल, कुछ बिल्स होते हैं जो रिजर्व किए जाते हैं फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी होती है, ठीक है, और कुछ स्टेट स्कीम्स भी होती है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड यानी जिस स्कीम को सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, यानी वो कहां पे लागू हो रही है, स्टेट्स में लागू हो रही है, लेकिन कौन स्पॉन्सर कर रहा है, सेंटर स्पॉन्सर कर रहा है, तो सेंटर अगर स्पॉन्सर कर रहा है तो उसके पीछे वो स्कीम्स क्या क्या हो सकती है, किस लेवल की हो सकती है, कौन से विषय की हो सकती है, ठीक है। सेंटर, स्टेट और
सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या क्या अंतर है वो भी देखेंगे, ठीक है। स्पेशल पैकेजेस फॉर डिफरेंट स्टेट्स, कुछ डिफरेंट स्पेशल पैकेजेस भी कभी कभी ग्रांट किए जाते हैं फॉर द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद इश्यूज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट आफ्टर 1990 रिफॉर्म्स, ठीक है, हमारी एलपीजी पॉलिसी आने के बाद किस तरह से चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं सेंटर और स्टेट्स के रिलेशंस में, ठीक है। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी क्या है, सेंटर और स्टेट्स में क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। कभी कभी हम देखते हैं ना कि स्टेट्स भी कुछ प्लांट्स या फिर कुछ प्रोडक्ट्स अपने स्टेट्स में लाने के लिए कुछ इंटरनेशनल एक आधे एजेंसी के साथ या फिर एक आधे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के साथ मेमोरेंडम साइन कर लेती है, ठीक है। तो वो क्या लेवल होती है, सेंटर किस तरह से रिलेशंस तैयार करती है अपने, फॉरेन रिलेशंस फॉरेन पॉलिसी किस तरह की हो सकती है दोनों को, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक इंपॉर्टेंट पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो है प्रेसिडेंट, जो हर साल न्यूज में आती है और हर अल्टरनेट ईयर पर एक क्वेश्चन आता ही है प्रीलिम्स में या फिर मेंस में। तो प्रेसिडेंट की पोस्ट कैसे बनाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए, इलेक्शन प्रोसीजर कैसी होती है, कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे हम स्टेट और सेंटर के लोकसभा के इलेक्शन में हम पार्टिसिपेट करते हैं खुद से, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं चूज करके देते हैं, तो किस तरह से प्रोसीजर, इलेक्शन प्रोसीजर प्रेसिडेंट की होती है, किस तरह से कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, हम तो नहीं करते, लेकिन हम नहीं करते तो कौन करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं क्या, उनमें कौन से रिप्रेजेंटेटिव स्पेसिफिकली करते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल फॉर्म ऑफ वोटिंग, तो जैसे हमारी होती है डायरेक्ट इलेक्शन होता है एडल्ट सफरेज के बेसिस पर, ठीक है, हम जाते हैं और वोटिंग करते हैं, ठीक है। सो प्रेसिडेंशियल जो इलेक्शन होता है वो अलग फॉर्म ऑफ है, ठीक है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो अलग फॉर्म का होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का कंसेप्ट है, तो वो देखेंगे हम क्या है डिफरेंस नॉर्मल इलेक्शन प्रोसीजर में और सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम में, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट्स टर्म ऑफ ऑफिस, कितने साल तक प्रेसिडेंट रह सकते हैं, कितने टर्म होती है उनकी, स्पेसिफिकली ओमुलमेंट्स क्या होता है, यानी निकाल दिए जाने की प्रोसीजर क्या हो सकती है, ठीक है। उसके साथ साथ एक प्रोसीजर ये भी होती है इम्पीचमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इम्पीचमेंट यानी प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाना, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होती है स्पेसिफिकली, किस तरह से वो बिल पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या प्रोसीजर होती है, कौन निकाल सकता है, ठीक है, अगर प्रेसिडेंट ना हो ऑन द टर्म तो कौन उनके राइट्स अधिकार किसके पास चले जाएंगे, ठीक है। स्पेसिफिकली एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है प्रेसिडेंट की, एग्जीक्यूट करने की लेजिस्लेटिव पावर्स क्या ग्रांट की गई है, इमरजेंसी जब लगाते हैं तब प्रेसिडेंट के पास कौन सी पावर्स आती है। उसके बाद फाइनेंशियल पावर्स क्या क्या है, मिसलिनियस पावर्स, कुछ अदर पावर्स भी ग्रांट की गई है स्पेसिफिक पावर्स, वो क्या है, जुडिशियल पावर्स क्या है, अभी रिसेंटली ये जुडिशियल पावर न्यूज में आ गए क्योंकि 9 जजेस जो है वो अपॉइंट किए गए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें से 8 जो है वो हाई कोर्ट के हैं और एक जो है वो इमिनेंट लॉयर है, ठीक है, ये 8 में से जो 3 महिला है वुमेन है, ठीक है, तो ये हाईएस्ट अपॉइंटमेंट मानी जा रही है अभी मोदी गवर्नमेंट आने के बाद की, ठीक है। तो इस तरह से वुमेन कॉन्ट्रीब्यूशन भी बढ़ गया जो पहले से डिमांड चल रही थी क्योंकि वुमेन जजेस बहुत कम है, ठीक है। तो किस तरह से ये प्रोसीजर जुडिशियल पावर्स ग्रांट की गई है, इसमें ये अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट का क्या रोल है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट इम्पीचमेंट जो हमने अभी देखा कि हटाने की जब बात आती है तो किस तरह की प्रोसीजर है उनकी, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड, ठीक है, क्योंकि सरकार तो हमारी चला रही है जो पीएम होते हैं या फिर उनका जो कैबिनेट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, लेकिन प्रेसिडेंट का भी रोल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनको हेड ऑफ द स्टेट भी कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या रोल है, हेड ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कैबिनेट में क्या डिफरेंस है स्पेसिफिकली, ठीक है, और क्यों प्रेसिडेंट को एज अ नॉमिनल हेड कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ इश्यूज भी अराइज होते हैं, जैसे अभी फार्मर बिल्स आए थे तो ऑर्डिनेंसेस एक्ट नहीं आया था स्पेसिफिकली, उन्होंने कोविड के सिचुएशन में उन्होंने, क्योंकि उनको पता था कि लोकसभा और राज्यसभा तो परमानेंट बॉडी है लेकिन लोकसभा जो है वो इन द हाउस नहीं है तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे बिल, तो उन्होंने ऑर्डिनेंसेस ग्रांट कर दिए, जो ऑर्डिनेंस फिर बाद में इन द एग्रीकल्चर एक्ट जो है वो रूपांतरित हो गए क्योंकि वो बाद में फिर डिस्कस होकर पास हो गए थे, ठीक है। तो किस तरह से ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट की,
जब इमरजेंसी टाइप ऑफ सिचुएशंस आती है तो ऑर्डिनेंसेस मेकिंग पावर्स उनको दी गई है, जो 6 महीने तक के वो रह सकते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है, तो वो क्या है। उसके बाद पैसेज ऑफ बिल्स, बिल्स किस तरह से पास होकर जाते हैं थ्रू द प्रेसिडेंट बाय हिज असेंट, ठीक है, यानी सिग्नेचर करके किस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद कुछ मिस यूज होता है इमरजेंसी पावर्स का, कब कब होता है, पार्डनिंग पावर के बीच में, ठीक है, निर्भया केस का मामला जब सॉल्व किया गया था तो पार्डनिंग का बहुत ज़्यादा इशू आया था, जो ये थे जिनको सज़ा मिल गई थी उन्होंने पार्डनिंग के लिए अपील की थी, है ना, पार्डन किया जाए या फिर उनकी सज़ा कम की जाए, फांसी की सज़ा जब दी जाती है तो स्पेशली दया जो अर्ज या फिर ये किया जाता है उनको, ठीक है। उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, जब कोई भी पार्टी मेजोरिटी में ना आए तो कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होती है, जैसे हमारा महाविकास आघाड़ी देखो, किसी भी एक पार्टी को मेजोरिटी नहीं थी तो 3 पार्टी एक साथ आ गई, कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, जिसको हम महाविकास आघाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो कोएलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म होता है तो किस तरह के राइट्स गवर्नर को ग्रांट किए जाते हैं और प्रेसिडेंट के पास कौन से राइट्स होते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट की जैसे पोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी हमारे, ठीक है। अब कौन है वाइस प्रेसिडेंट, एम वेंकैया नायडू, ठीक है, और प्रेसिडेंट कौन है, रामनाथ कोविंद, ठीक है। सो ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या है, किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, कौन पार्टिसिपेट करता है उनके इलेक्शन में, उनके राइट्स क्या, अधिकार क्या है। जब मैंने कहा कि प्रेसिडेंट इन हाउस या फिर इन ऑफिस नहीं होते तो वाइस प्रेसिडेंट के पास क्या अधिकार होते हैं, उसके बाद उनके फंक्शंस क्या है, किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, अपॉइंटमेंट कैसे होती है प्राइम मिनिस्टर की, उनके फंक्शंस क्या है, उनके रोल क्या है विथ रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, अलग अलग मिनिस्टर्स रहते हैं तो उनके प्रति उनका रोल क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट के साथ और रिलेशंस कैसे हो सकते हैं, किस तरह के रिलेशंस होते हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर में डिफरेंस क्या है, लोकसभा के रिलेटेड प्राइम मिनिस्टर के क्या रोल्स होते हैं, किस तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ग्रांट की गई है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जो उनकी मेजॉरिटी पार्टी भी और अलग जो पार्टीज है दूसरी पार्टी जो इंडिया में है उनके साथ उनके रिलेशंस कैसे होने चाहिए, क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद कोएलिशन गवर्नमेंट, जब प्रेसिडेंट को जिस तरह के राइट्स दे गए तो कोएलिशन गवर्नमेंट जब फॉर्म होता है तो प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो स्पेसिफिकली इनकी रहती है, जो सरकार चुनकर आई है उनकी स्पेसिफिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है, सेंटर में भी और स्टेट्स में भी, तो सेंटर में स्पेसिफिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस तरह का उनका डिवीजन होता है, उसके बाद रोल क्या होते हैं उनके, उसके बाद रोल ऑफ कैबिनेट क्या होता है, कैबिनेट आपने कुछ सुना होगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, है ना, कुछ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज होते हैं, है ना, इस तरह के कुछ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अभी जब रिसेंटली रिशफल हुआ था तो इस तरह के कुछ अपॉइंटमेंट्स की गई थी, ठीक है। तो कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, इसमें डिफरेंस क्या है, क्या क्या अधिकार डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मिनिस्टर्स भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो है अटॉर्नी जनरल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है, तो उनका क्वालिफिकेशन क्या है, फंक्शंस क्या है, पावर विथ रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट के, अटॉर्नी जनरल एग्जैक्टली है कौन, किस तरह से उनकी अपॉइंटमेंट होती है, कौन सा इंसान या फिर कौन उसके लिए एलिजिबल होता है, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। पार्लियामेंट स्पेसिफिकली राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, उनका कंपोजिशन कैसा है, कितने मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में और लोकसभा में, कौन चुनकर जाता है राज्यसभा और लोकसभा में, कौन इलिजिबल है, इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट्स में स्पेसिफिकली हम देखने को मिलती है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे हमें दोनों भी हाउसेस देखने को मिलते हैं, असेंबली और काउंसिल भी, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे एक ही हाउस हमें देखने को मिलता है, वो है असेंबली ही सिर्फ, ठीक है। और बीच बीच में ऐसे भी चर्चा आ जाती है कि हमें दोनों भी, दूसरा हाउस भी चाहिए, तो डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ काउंसिल भी गठित की जाए, तो फिर वो न्यूज़ में आ गई, आपको पूछेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में या फिर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उसके साथ साथ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर बनानी है किसी भी स्टेट्स में तो उसके लिए क्राइटेरियाज क्या है, बिल कैसे वो पास होता है, किस मेजॉरिटी से वो पास होता है,
ठीक है, तो इस प्रकार की हमें न्यूज आती ही रहती है न्यूज़पेपर में स्पेसिफिकली। उसके बाद एमपीज और एमएलएस जब चुनकर आते हैं तो वो बनने के लिए उनके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है क्वालिफिकेशन का, क्या इंक्लूडेड क्राइटेरिया है, ठीक है वो देखेंगे। उसके बाद वैकेशन ऑफ सीट्स, सीट्स भी वैकेट हो जाती है, जैसे हम राज्यसभा में देखेंगे परमानेंट हाउस है लेकिन कुछ सीट्स जो है वो वैकेंट होती रहती है और उसमें न्यू सीट्स जो है वो भरी जाती है। ठीक है, लोकसभा में भी हम देखते हैं कि किसी भी एक आधे एमपी का अगर दुखद निधन हो गया बीच में तो वो वैकेंट हो गई सीट, तो वैकेंट जो सीट है वो किस तरह से भरी जाती है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट्स में हम देखते हैं अभी रिसेंटली 12 एमएलएस को निकाला गया था, है ना, सस्पेंड किया गया था। ठीक है, तो जो 12 सस्पेंड किए गए थे तो उनको फिर से कैसे ऑफिस में लाया जा सकता है, तो सरकार ने फिर गवर्नर के साथ मिले, वो कल की न्यूज़ है, गवर्नर के साथ मिले वो कि उनको रिस्टोर किया जाए, किस तरह से उनको फिर से उनके अधिकार जो है ग्रांट किए जाएंगे, किस तरह से उनको अपनी मेंबरशिप दी जाएंगी फिर से, तो वो न्यूज़ में आ जाते हैं कि एमएलए का रोल क्या होता है, किस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एमएलएज और गवर्नर में क्या डिफरेंस रोल क्या हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेशंस होते हैं अलग अलग प्रकार के, मानसून सेशन होता है, बजट सेशन होता है, अलग अलग प्रकार के सेशंस होते हैं। ठीक है, विंटर सेशन जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सेशंस होते हैं। लॉ मेकिंग प्रोसेस या फिर प्रोसीजर क्या है हमारे पार्लियामेंट की, लॉ कैसे बनते हैं, कैसे एक्ट में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, बिल कैसे एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है वो देखेंगे। उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, अलग अलग ऑफिसर्स भी होते हैं पार्लियामेंट में, सिर्फ एमएलएज और एमपीज ही नहीं होते, तो राज्यसभा और लोकसभा के सेक्रेटरीज भी होते हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। आपने देखा होगा कि चेयर में आजू बाजू में साइड में सामने बैठे होते हैं कुछ ऑफिसर्स, ठीक है तो वो उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है वो भी देखेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स कैसी होती है दिन भर की उनकी, आपको अभी जो आप टीवी में देखते थे उसमें आपको अगर आप यूपीएससी की तैयारी करो तो आपको आपका स्टांस भी चेंज करना पड़ेगा, आपको अभी कौन सी चैनल देखने पड़ेंगे, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है होल यूपीएससी प्रिपरेशन। लोकसभा टीवी में किस तरह की प्रोसीडिंग होती है, एक दिन पूरा का पूरा प्रोसीडिंग देखनी है आपको, ठीक है एक दिन पूरा देखकर ये प्रोसीडिंग देखनी है स्पेसिफिकली, जब हाउ सेशन स्टार्ट होगा अभी नया, तो किस तरह से सुबह से लेकर शाम तक की वो प्रोसीडिंग होती है इसको ऑब्जर्व करना है आपको, किस तरह से एमपीज जो है अपने मत या फिर ओपिनियन मानते हैं, किस तरह से ओपिनियन बोलते हैं, किस तरह से उनकी लैंग्वेज होती है, किस तरह से स्पीकर जो होता है वो किस तरह से मेंटेन करने की कोशिश करता है गरिमा ऑफ द हाउस, ठीक है तो वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, एक दिन राज्यसभा टीवी में भी राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स कैसी होती है, ठीक है स्पेसिफिकली जहाँ पे हमारे एम वेंकैया नायडू बैठते हैं एज अ चेयरमैन, है ना, जो राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है और यहाँ पे स्पेसिफिकली स्पीकर्स होते हैं, ठीक है तो किस तरह की प्रोसीडिंग्स होती है ये आपको ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा टीवी पर ही बहुत सारे डिबेट्स भी होते हैं, आपको डिबेट्स देखने हैं, वो डिबेट्स ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से स्पेसिफिकली, और इंटरव्यू के हिसाब से भी डिबेट्स होते हैं बहुत सारे, जो भी चर्चा चल रही है उस पर डिबेट्स होती ही है। अभी रिसेंटली कल ही एक डिबेट हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट जजेस पर था, ठीक है तो वो जजेस के अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसमें एमिनेंट पर्सनालिटीज़ आती हैं, कुछ जूरिस्ट भी आते हैं, कुछ एम्बेसडर्स आते हैं, जब फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड अगर चर्चा हो तो आपको ये देखने हैं, आपके मोबाइल पर यूट्यूब चैनल पर ये मिल जाएंगे, ठीक है तो आपको ये देखने हैं। ठीक है, उसके बाद मोशंस, अलग अलग प्रकार के मोशंस भी ग्रांट की जाती है, पास की जाती है, तो किस तरह के मोशंस होती है, ठीक है रेजोल्यूशंस होते हैं कुछ जो पास किए जाते हैं बाय द पार्लियामेंट, तो वो क्या है। उसके बाद पार्लियामेंट्स के पावर्स और प्रिविलेजेस क्या है, कौन कौन से अधिकार दिए गए, कौन कौन से विशेष अधिकार दिए गए, प्रिविलेजेस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल प्रोसीडिंग्स कैसी होती है वो भी देखेंगे हम। उसके बाद कंपैरिजन ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों में क्या डिफरेंस है। उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल में क्या डिफरेंस है स्टेट लेवल पर, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट में वुमेन रिजर्वेशन किस तरह का है, कितने महिला हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद उसका इश्यूज क्या है, क्या डिमांड की जाती है जरूरत के हिसाब से कि वुमेन का कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, तो रिजर्वेशन किस तरह का ग्रांट किया गया है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद लोअरिंग ऑफ पार्लियामेंट्री पावर्स, पार्लियामेंट के पावर्स कम होती जा रही है या नहीं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, जिस तरह से मेजॉरिटी पार्टी अगर दोनों हाउस में आ गई, जिस तरह की अभी की स्थिति है,
ये राज्यसभा में भी और लोकसभा में दोनों में मेजोरिटी है एनडीए सरकार की, तो हो सकता है अपोजिशन को दिक्कत आ जाए डिस्कशन करते समय। अभी हम देखेंगे कि मॉनसून सेशन जब चल रहा था बहुत सारे बिल थे जो नियर अबाउट 37 या फिर 47 के आसपास बिल टारगेट किए गए थे इस सेशन में, तो ज्यादातर नियर अबाउट 85% बिल जो है विदाउट डिस्कशन पास हो गए, जिस पर कुछ भी डिस्कशन नहीं हुआ। कुछ बिल ऐसे थे जो 20-20 मिनट में पास हो गए। तो स्पेसिफिकली पार्लियामेंट का रोल क्या है, राज्यसभा और लोकसभा का, डिस्कशन करना, डिबेट्स करना, चर्चा होना बिल पर, चर्चा होने के बाद अपोजिशन भी चर्चा करेंगी उस पर, कुछ उनकी राय रखेंगी, वो कुछ प्रोविजन वो उसमें ऐड भी किए जाएंगे अगर वो अच्छे हैं तो, इस तरह से बाद में फिर वो बिल को पास किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ बिल्स अभी भी इस तरह के विदाउट डिस्कशन पास होते हैं तो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो किस तरह से पार्लियामेंट का रोल है इसके तहत वो भी हम देखेंगे। उसके बाद पार्लियामेंट की खुद की कुछ कमिटीज भी होती है, कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हो अगर उसको उस पर अगर बिल पास करना हो तो उसके लिए कुछ कमिटीज गठित की जाते हैं जो पहले उस चीज पर डिस्कशन करती है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी जब लाई गई थी तो उसके पहले कुछ कमिटीज गठित की गई थी, है ना, जिन्होंने पहले डिस्कशन किया। वो डिस्कशन जो होता है कमिटीज अपनी राय रखेंगी, वो बताएंगी, वो जो बताई हुई राय है वो फिर डिस्कस की जाएगी 1-to-1 इन द पार्लियामेंट, स्पेसिफिकली इन लोकसभा एंड राज्यसभा, उसमें क्या सुधार रिफॉर्म्स जरूरी है ये किए जाएंगे, उसके बाद फिर वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का डिसीजंस क्या है, पार्लियामेंट कमिटीज का क्या रोल है, उनकी वर्किंग कैसे होती है, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पार्लियामेंट में क्या रोल है, ठीक है। जुडिशियल एक्टिविज्म का कंसेप्ट क्या है जो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है। तो जुडिशियल एक्टिविज्म मतलब क्या है, पार्लियामेंट और जुडिशियल एक्टिविज्म में क्या डिफरेंस है, क्या रोल का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। उसके बाद कुछ डेलीगेटेड इश्यूज भी रहते हैं रिलेटेड विद द लेजिस्लेशन, वो भी हम देखेंगे। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, यानी सुप्रीम कोर्ट के सारे पावर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट किस तरह से प्रोसीडिंग्स अपनी चलाती है। उसके बाद जुरिस्डिक्शन क्या होता है, कहां तक के उनका जुरिस्डिक्शन है, कहां तक के उनके अधिकार है, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। हाईकोर्ट, हाईकोर्ट का कंपोजिशन कैसे होता है, हाईकोर्ट टर्म्स एंड रिमूवल, यानी क्या किस तरह से वहाँ पे अपॉइंटमेंट हमें देखने को मिलती है ऑफ द जजेस, किस तरह से उनका रिमूवल होता है, जुरिस्डिक्शन उनका कहाँ तक के हैं। उसके बाद अदर पावर्स क्या ग्रांट की गई है, लोअर जुडिशरी जो हमें देखने को मिलते हैं उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ठीक है, उन वहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे हमें देखने को मिलते हैं और उनको क्या क्या पावर्स ग्रांट किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का रोल जो है एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है सुप्रीम कोर्ट का, तो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, उनको क्या रोल है उनका स्पेसिफिकली, ठीक है। एज अ प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स या फिर फंडामेंटल राइट्स भी कहा जाता है, तो वो क्या है। उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आपने सुना होगा, तो वो क्या होता है, PIL फाइल किया जाता है, ठीक है, कोई भी इशू अगर अराइज हुआ तो, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियरी अपॉइंटमेंट जब अभी रिसेंटली रिशफल हुआ है, न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है, तो कॉलिजियम सिस्टम क्या है, एक NJSA बिल आया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक बिल आया था 2014 में जो बाद में फिर खारिज किया गया है ना, ठीक है। तो कॉलिजियम सिस्टम क्या है वो भी हम देखेंगे, जुडिशियरी अपॉइंटमेंट, कॉलिजियम सिस्टम, NJSA कॉन्ट्रोवर्सी जो क्रिएट हो गई थी वो देखेंगे, नेशनल कोर्ट ऑफ अपील वो क्या है। उसके बाद जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, उसके बाद इश्यूज ऑफ करप्शन इन जुडिशियरी वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल की सरकार है, स्टेट की सरकार है, तो इनके तहत कुछ मिनिस्ट्रीज भी आती है ना, अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्रीज है, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स है जो इन मिनिस्ट्रीज के अंडर में आते हैं, ठीक है। इसी तरह से स्टेट्स में भी मिनिस्ट्रीज है अलग अलग प्रकार के, मंत्रालय है अलग अलग प्रकार के, उसके साथ उनके अंडर में ही कुछ अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, ठीक है। तो मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स उनके फंक्शंस क्या होते हैं, सेंट्रल सेक्रेटरी क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी कौन होता है, उनके रोल क्या होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद फील्ड ऑर्गेनाइजेशन, रिफॉर्म्स क्या जरूरी है, और उसके बाद इंटरनेशनल मेथोडोलॉजीज कैसे हमें देखने को मिलते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी आपने सुना होगा, जो हाईएस्ट लेवल का IAS ऑफिसर होता है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, एट द एंड IAS जो है वो रिटायर्ड होकर
मतलब रिटायर्ड होने से पहले कैबिनेट सेक्रेटरी होकर ही रिटायर्ड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन लेकिन हाईएस्ट पोस्ट जो है आईएएस की वो है कैबिनेट सेक्रेटरी इन इंडिया स्पेसिफिकली, ठीक है, और स्टेट में रहती है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। उसके बाद पंचायत, जो हमारे लोकल गवर्नमेंट है सेंटर और स्टेट्स के बाद, तो उनके लिए प्रोविजंस बनाए गए थे, ठीक है। तो 1992 में एक्ट पास किए गए जिनका नाम था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो पंचायत राज सिस्टम बनी हमारी, ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन भी जिसको कहा जाता है, ठीक है। रोल एंड फंक्शंस क्या है, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रोल क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन सकती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया हो सकता है। उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल भी होती है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है बनने के लिए, नगर पंचायत होती है। उसके बाद द स्टेप्स टेकन टुवर्ड्स द वुमन एम्पावरमेंट, इन तीनों में भी वुमेन का रिजर्वेशन भी हमें देखने को मिलता है, तो उनमें रोल ऑफ वुमेन मोस्टली आप देखो शहरों में नगर परिषद या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो महापौर वगैरह होते हैं स्पेसिफिकली अभी महिलाएं चुनकर आती है मैक्सिममली, तो उनके लिए रिजर्वेशन ग्रांट है, ठीक है। तो वो रिजर्वेशन किस तरह का है, जिनको उनको फायदा होता है, जिसका उनको फायदा होता है वो भी देखेंगे। रोल ऑफ स्टेट इलेक्शन कमीशन, जैसे सेंटर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारा, है ना, उसी तरह से स्टेट्स में भी स्टेट इलेक्शन कमीशन भी काम करता है, ठीक है। तो वो उनका रोल क्या है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, स्टेट लेवल पर। स्मार्ट सिटी मिशन एंड म्यूनसिपल गवर्नमेंट्स वो भी देखेंगे हम। स्मार्ट सिटी मिशन आया था, प्रोजेक्ट आया था बहुत बड़ा, है ना, 100 सिटीज जो है वो टारगेट की गई थी इन होल इंडिया, ठीक है। तो वहां पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का या फिर लोकल गवर्नमेंट का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या रोल था, ठीक है। उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स रिड्रेसल मैकेनिज्म्स भी है, अगर डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गए तो, ठीक है। तो वो किस तरह के डिस्प्यूट्स क्रिएट होते हैं, किस तरह से अलग अलग मैकेनिज्म या फिर अलग 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 रूल की जरूरत होती है वो डिस्प्यूट्स जो है वो संभालने के लिए, सॉल्व करने के लिए। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स होते हैं कुछ, आपने एक नाम सुना होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, अगर एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ अगर अराइज हो रहा है इंडिया में तो वहां पे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो निर्णय लेती है, ठीक है, जो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी भी मानी जाती है, ठीक है, जिनके पास जुडिशियल राइट्स ग्रांट किए गए उनको, ठीक है। उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी होते हैं कुछ, कुछ एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस अगर क्रिएट हो गई तो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी रन करते हैं, ठीक है, इस तरह से कुछ रेप या फिर कुछ ऐसी घटनाएं आ गई जहां पे फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत है तो वहां पे स्पेसिफिकली फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है वो गठित किया जाता है, ठीक है, उसके रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं। उसके बाद ग्राम न्यायालय क्या होते हैं, ग्राम लेवल पर जो निर्णय लेती है, आपने खाप पंचायत भी सुना होगा, राजस्थान या फिर उस रीजन में खाप पंचायत का कंसेप्ट है, वो खुद से निर्णय लेते हैं, वो कोर्ट में नहीं जाते, ठीक है। तो जो पंचायत है वो निर्णय लेते हैं कि गांव में कुछ अगर ऐसा इश्यूज क्रिएट हो गया तो वहां पे वो निर्णय लेंगे। तो किस तरह से न्याय ग्राम न्यायालय होते हैं, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसके बाद पारिवारिक महिला लोक अदालत स्पेसिफिकली है हमारे यहाँ पे कंसेप्ट, तो लोक अदालत क्या कंसेप्ट है जो हमारे स्पेसिफिकली सिलेबस में डाला गया है। उसके बाद कुछ फैमिली कोर्ट्स भी होते हैं, है ना, फैमिली इश्यूज अगर हो तो उसको सॉल्व किया जाता है। लोक अदालत उनके इश्यूज क्या होते हैं, नालसा होता है नेशनल लेवल पर, ठीक है, वो भी हम देखेंगे नालसा क्या है। उसके बाद डिस्प्यूट रिड्रेसल्स फॉर द वीकर सेक्शन, स्पेसिफिकली जो वीकर और वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उनके लिए क्या स्पेसिफिक राइट्स या फिर अदर कुछ प्रिविलेजेस या फिर उनके सॉल्व करने के लिए क्या किस तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट्स अगर गठित किए जाते हैं तो वो किस प्रकार के हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद फिर कुछ आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म्स भी है वो भी हम देखेंगे, इंटरनेशनल आर्बिट्री सेंटर्स भी है। उसके बाद कॉमर्शियल कोर्ट्स भी होते हैं कुछ, जो कॉमर्शियल केसेस होंगे स्पेसिफिकली वो भी हम देखेंगे किस तरह के कॉमर्शियल केसेस हो सकते हैं, उसके लिए किस तरह के कोर्ट्स गठित किए जाते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल के बाद एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग जिसको कहा जाता है, हर साल इनका रिपोर्ट भी आता है कि किस तरह से सेंटर ने स्टेट्स को फाइनेंस जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड करना चाहिए, कितने स्टेट्स को किस स्टेट्स को कितनी जरूरत है फाइनेंस की, किस तरह से वो होना चाहिए, तो उसका कैग के द्वारा क्या बनाया जाता है, एक ऑडिट बनाया जाता है, ठीक है, ऑडिट बनाया जाता है, इसलिए उनको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है। तो जितना भी सेंटर से पैसा जा रहा है स्टेट्स को उसका एक ऑडिट बनाया जाता है, और वो ऑडिट का जो हेड है जो सरकार को दिया जाता है ऑडिट, सो वो जो देता है उसका नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कैग जिसको कहा। तो उनकी अपॉइंटमेंट
कैसे की जाती है, कौन एलिजिबल है कैग के लिए, फंक्शंस क्या है कैग के, और रोल क्या है कैग का मेंटेनिंग द गुड गवर्नेंस। ठीक है, उसके बाद जैसे प्रेसिडेंट है तो स्टेट लेवल पर इंपॉर्टेंट ऑफिस है गवर्नर का। अपॉइंटमेंट कैसे होती है, टर्म ऑफ ऑफिस टेन्योर कितना होता है उनका। उसके बाद क्वालिफिकेशंस क्या है गवर्नर बनने के लिए, पावर्स क्या क्या ग्रांट की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द गवर्नर। उसके बाद कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है ग्रांट की गई, ठीक है, जैसे कुछ प्रिविलेजेस है उसी तरह की कुछ डिस्क्रिशनरी पावर्स भी है। अगर उस तरह की सिचुएशंस अगर आ गई, ये डिस्क्रिशनरी पावर्स जब महाविकास आघाड़ी बनने से पहले उन्होंने यूज भी की थी, ठीक है, तो वो कौन से डिस्क्रिशनरी पावर्स है। उसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है, जिस तरह से प्रेसिडेंट को है ना, एक्सट्रीम सिचुएशंस पर, इमरजेंसी सिचुएशंस पर ऑर्डिनेंस जो है वो लागू करने के लिए, तो स्टेट्स में गवर्नर को क्या क्या पावर्स दी गई है। उसके बाद सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर है, स्टेट लेवल पर चीफ मिनिस्टर है सीएम, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होती है, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नर एंड द चीफ मिनिस्टर। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे सेंटर में था पीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे ही सीएम और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर उनमें क्या रोल है। ठीक है, जैसे सेंट्रल लेवल पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया था, वैसे स्टेट लेवल पर एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी एक तरह से वो सेंटर की बाजू या फिर साइड मारने की कोशिश करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेंटर की, और स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट की जो होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, उनके अपॉइंटमेंट कैसे होती है, फंक्शंस क्या है उनके। उसके बाद आता है स्पेसिफिकली पार्लियामेंट के बाद, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर, उसमें विधानसभा होती है और विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम कहते हैं। उसके बाद जो मेंबर्स है उसके एमएलए जिनको हम कहते हैं या फिर एमएलसी जिसको हम कहते हैं, स्पेसिफिकली उनका क्वालिफिकेशन क्या होता है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होती है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या क्या पावर्स है, फंक्शंस क्या है उनके। उसके बाद दोनों भी हाउसेस विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या रिलेशन है उनके, किस तरह से रिलेशन मेंटेन करने होते हैं उनको, किस तरह से पावर का डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे पार्लियामेंट में बैठते हैं उसी तरह के स्टेट लेजिस्लेचर में भी कुछ ऑफिसर्स बैठते हैं, ठीक है, जो हेड होते हैं स्पेसिफिकली, तो वो क्या है, ऑफिसर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद पावर्स प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स, क्या क्या पावर्स ग्रांट की गई है। ठीक है, अभी नारायण राणे जब उन पर केस दर्ज की गई थी बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये चर्चा में आ गई थी कैबिनेट मिनिस्टर पर हम किस तरह से उनको हटा सकते, क्या क्या प्रोसीजर हो सकते हैं, या फिर उन पर केस दर्ज हो सकती है या नहीं हो सकती है कैबिनेट मिनिस्टर पर, तो किस तरह के उनको सेंटर के थ्रू प्रिविलेजेस ग्रांट की गए हैं। ठीक है, तो इस तरह की चर्चा न्यूज़ में आई थी, उस पर स्पेसिफिक आर्टिकल भी आया था, वो आपने पढ़ना है, वो आपको स्पेसिफिकली इंटरव्यू में पूछा जाएगा, प्रीलिम्स में और मेंस में नहीं, लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाएगा स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके बाद लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स किस तरह की होती है, ठीक है, बिल मेकिंग प्रोसेस किस तरह की होती है। उसके बाद वो बिल जो पास किया गया है बाय द विधानसभा और विधान परिषद, वो फिर जाता है गवर्नर के पास, जैसे प्रेसिडेंट के पास जाता है वैसे गवर्नर के पास जाता है स्टेट्स का बिल, तो गवर्नर भी असेंट देता है उस पर, सिग्नेचर करता है, तो उसके बाद फिर वो पास होता है। तो वो असेंट वाली प्रोसीजर क्या होती है, कौन से बिल को असेंट की ज़रूरत है, कौन से होल्डिंग की जाते हैं, होल्ड किए जा सकते हैं फॉर द प्रेसिडेंशियल अप्रूवल। ठीक है, उसके बाद प्रोसीजर इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड बजट रिलेटेड क्या पावर्स दिए गए हैं टू द स्टेट लेजिस्लेचर। ये हो गए आपके पॉलिटी का पोर्शन जो हमने देखा अभी, अब आता है पोर्शन आपका गवर्नेंस का। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारी बनी है, उसके रिलेटेड हमारी पॉलिटी भी चल रही है ना, इंडियन पॉलिटी चल रही है, अलग अलग ऑफिस बने, उनके रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, विशेषाधिकार है कुछ, है ना, तो इस तरह से वो मेंटेन रखने अपने इसमें, अपने रिलेशंस भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और रोल भी। ठीक है, लेकिन ये सब मेंटेन करते वक्त हमें क्या मेंटेन रखना है, हमारा गवर्नेंस, टोटल गवर्नेंस यानी टोटल सिस्टम पूरी की पूरी। तो ये जो सिस्टम चला रहे हैं ये जो लोग हैं, इन्होंने ये सिस्टम को भी अच्छे से रखना जरूरी है। तो गुड गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हर बार इस शब्द का उच्चार करते हैं कि गुड गवर्नेंस। ठीक है, तो गुड गवर्नेंस क्या है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का कंसेप्ट है, तो किस तरह से ये कंसेप्ट इवॉल्व हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज किस तरह की होनी चाहिए, जिस तरीके से गवर्नेंस चलना चाहिए, इस हिसाब से
नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज अलग अलग तरह की बना रही है सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, तो उनमें वो किस तरह से होनी चाहिए जो अचीव करे ग्रोथ और डेवलपमेंट भी, उस हिसाब से ह्यूमन डेवलपमेंट के भी रिलेटेड वो पॉलिसीज बनाए, उसकी ज़रूरत होती है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद इक्वालिटी रिलेटेड, सोशल जस्टिस रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, वुमेन रिलेटेड स्पेशली, वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के रिलेटेड कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है स्पेसिफिकली, है ना। उसके बाद कुछ वीकर सेक्शंस होते हैं एससी एसटीज, उनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, ठीक है। तो इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए और उनको सोशल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए जो पॉलिसीज बनाई जाती है बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी किस तरह से मेंटेन रखी जाए, कैसे रखनी चाहिए यूनिटी और इंटीग्रिटी भी दोनों में। उसके बाद ट्रस्ट बिटवीन स्टेट एंड सिटीजन्स, दोनों में किस तरह का ट्रस्ट तैयार होना चाहिए, जो एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु है किसका, गवर्नेंस का। अगर सिटीजन्स और स्टेट्स में मेंटेनेंस ही ना हो, प्रॉपर कोऑपरेशन ही ना हो, तो गुड गवर्नेंस चल ही नहीं सकता, गवर्नेंस ही नहीं चल सकता, है ना। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। जितने भी हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल है और जितनी सारी दुविधा है, कंस्ट्रेंट्स है, उसका तालमेल रखकर हमें किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करना है पॉलिसीज का, एक्ट्स का, ऑर्डिनेंसेस का, अलग अलग डिसीजंस का, अलग अलग ऑर्डर्स का, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्कीम्स, अलग अलग प्रकार के स्कीम्स लॉन्च की जाती है बाय द सेंटर, है ना। हमने देखा था सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है, स्टेट स्कीम्स है। तो इस तरह की जो अलग अलग स्कीम्स है जो अलग अलग लेवल पर लागू की जा रही है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह का होना जरूरी है फॉर द गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गुड गवर्नेंस रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, गुड गवर्नेंस स्पेसिफिक टॉपिक दिया गया आपकी इसमें, ठीक है। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस और एक कंसेप्ट आता है वो है ई गवर्नेंस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स, स्टेक होल्डर्स और अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस बने हमारे स्टेट्स के और सेंटर के भी, उनमें किस तरह का उनका रोल होना चाहिए जो मेंटेन रखेंगे गुड गवर्नेंस, ठीक। उसके बाद उनमें ही ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी किस तरह की होनी चाहिए उनके रोल के, उनके फंक्शंस में, ठीक है। उसके बाद जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, हमने कहा था ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे तो एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, सारे के सारे अवेलेबल है, लेकिन उनका ऑप्टिमम यूज कैसे करना है, सस्टेनेबल यूज कैसे करना है, शाश्वत यूज जिसको हम कहते हैं, उपयोग कैसे करना है हमें उसका, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास, ठीक है। उसके बाद राइट, उसके अधिकार, टारगेटिंग, प्लगिंग, लीकेजेस, उसके बाद वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, यूज ऑफ अवेलेबल नॉलेज, रिसर्च एंड इनोवेशन, कुछ तरह की खामियां भी हमें देखने को मिलती हैं यूज ऑफ रिसोर्सेज करते वक्त, ठीक है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं उसके प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, किस तरह का रिसर्च भी जरूरी है कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट करने से पहले, किस तरह की राय लेना भी जरूरी होता है स्टेट्स को भी स्पेसिफिकली कुछ रिसोर्सेज का यूज करते समय सेंटर से या फिर अदर स्टेक होल्डर्स से, तो वो रिलेशन कैसा होना चाहिए फॉर द गुड गवर्नेंस, ठीक है। उसके बाद मॉनिटरिंग सिस्टम किस तरह के होनी चाहिए, किस तरह से मॉनिटर करना है सारी चीज़ों को। उसके बाद इवैल्यूएशन भी करना है, कौन सी चीज़ें खामियां रह गई जो हम आगे चलकर वो उसको भर देंगे, ठीक है। तो किस तरह से खामियां रहती हैं, किस तरह से मॉनिटर करना है स्पेसिफिकली चीज़ों को, ठीक है। स्पेसिफिकली किसके कंटेक्स में, बजट के कंसेप्ट में, जो बजट ग्रांट किया जाता है यानी पैसा ग्रांट किया जा रहा है, कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा पैसा, तो बजट जब आता है तो पैसा कहाँ कहाँ पे खर्च किया जाएगा अगले साल भर में, तो वो उसमें सारी चीज़ें होती है। तो कहाँ कहाँ पे किस चीज़ों का खर्च हमें करना है, किस तरह से सारी चीज़ों को मॉनिटर करना है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमने खर्च की, तो उसका इवैल्यूएशन भी करना है, एनालिसिस भी करना, ठीक है। उसके बाद जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है, इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है, वो भी हम देखेंगे। ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है आपके पॉलिटी में आता है और इकोनॉमिक्स में भी आपकी बजटिंग प्रोसेस आती है स्पेसिफिक, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में तो स्पेसिफिक बजटिंग प्रोसेस दी गई है, और पॉलिटी के कंटेक्स्ट में क्या पूछा जा सकता है, बजट कैसे पास होता है, बजट कैसे इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। डिमांड्स फॉर ग्रांट्स कैसे होती है, वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद सेटिंग अप इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस अगर सेटअप करने हैं अलग से, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होती है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के स्टीयरिंग कमिटीज होती है, कुछ रिव्यू कमिटीज भी होती है, रिव्यू करना उनका काम होता है,
कुछ स्टीयर करती है स्पेसिफिकली, ठीक है। इस तरह से कुछ हेडिंग कमिटीज, हेड करने वाली कमिटीज होती है, कुछ रिव्यू करने वाली कमिटीज होती है, यानी एक स्पेसिफिक कमिटी ने एक रिपोर्ट ग्रांट कर दिया, लागू कर दिया या फिर सरकार के पास भेज दिया, उस पर फिर से विचार करने के लिए सरकार ने अगर कुछ अलग से कमेटी गठित की तो उसको कहा जाता है रिव्यू कमेटी, फिर से देखो इसको, इसको कहा जाएगा रिव्यू कमेटी, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की कमिटीज भी गठित की जाती है बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इंडस्ट्रीज, इसमें क्या मेंटेनेंस डिफरेंस है वो भी हम देखेंगे रिलेटेड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद मेन कंस्ट्रेंट्स क्या है डेवलपमेंट में आती हुई हमें देखने को मिलती है। उसके बाद स्टेक होल्डर्स, उनका क्या रोल है डेवलपमेंट प्रोसेस में। उसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं, SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या है, ठीक है। उसके बाद उनका मीनिंग क्या है, उनका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर कैसा है उनका और ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उनका सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें स्पेसिफिकली हम देखते हैं ना महिलाओं के बचत गट वगैरह रहते हैं, वो खुद जाकर अपना एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाती है, स्पेसिफिकली एक छोटा सा माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज चलाती है अपना, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एक सेल्फ हेल्प ग्रुप स्पेसिफिकली, ठीक है, जहाँ पे इकट्ठा हुए लोग, कल हमने देखा था कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जहाँ पे लोग इकट्ठा आ गए, अपना पैसा एक जगह जोड़ दिया और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी तैयार कर दी, जिसको बाद में फिर सरकार भी असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, कुछ फंड प्रोवाइड करेगी, कुछ जगह एरिया देगी, फील्ड प्रोवाइड करेगी, है ना। सो इस तरह से कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, उसी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप भी है, ठीक। उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो देखेंगे, किस तरह से उनको फंडिंग मिलती है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस भी है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस जैसे NBFC है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो फाइनेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। दूसरे होते हैं बैंकिंग, जो मेजर लोन्स वगैरह प्रोवाइड करने की ये करते हैं, लेकिन जो कुछ एंटरप्राइजेस है जो माइक्रो स्मॉल मीडियम लेवल पर काम कर रहे हैं उनको माइक्रो फाइनेंस की जरूरत होती है, उनको एक दो करोड़ या फिर 50 करोड़ या फिर 100 करोड़ की जरूरत नहीं होती है, उनको लाख भर की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये जो माइक्रो फाइनेंस क्रिएट किया जाता है बाय द गवर्नमेंट स्पेसिफिकली, तो उनके अंडर में कुछ NBFCs है, ठीक है। तो NBFCs क्या है, उनका रोल क्या है वो भी हम देखेंगे, ये भी कभी कभी न्यूज में आ जाती है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। उसके बाद उनका मीनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिव्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, उनके एडवांटेजेस क्या है और इंडिया में किस तरह का माइक्रो फाइनेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे NGOs भी हैं, है ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स पर काम करती है, स्पेसिफिकली एजुकेशन पर, वुमन एम्पावरमेंट पर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर, ठीक है। तो अलग अलग रोल पर एक आधी NGO काम कर सकती है सोशल सेक्टर्स के रिलेटेड, ठीक है। तो NGOs उनका रोल क्या है, अलग अलग प्रकार के NGOs किस तरह से हमें देखने को मिलती है, डिफरेंस क्या है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGO में और इंटरनेशनल लेवल के जो NGOs है उनमें डिफरेंस क्या है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस के क्राइटेरियाज क्या है फॉर द NGOs या फिर इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है। उसके बाद किस तरह से NGO और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, कभी भी सरकार कुछ पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए NGO के साथ टाइप कर लेती है, ठीक है, टाइप कर लेती है, उनका सहारा ले लेती है कि हमें ये पॉलिसी इस जगहों पर इंप्लीमेंट करनी है और आपके पास इस जगह का ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, इस जगह की माहिती इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो आप हमें मदद करो, हमारे साथ टाइप हो जाओ। तो इस तरह की टाइप भी, मेमोरेंडम भी होता है NGO में और सरकार में भी, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी की डेवलपमेंट करने के लिए NGO का क्या रोल होता है वो भी हम देखेंगे। NGO इन्वॉल्व इन रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, जब इस तरह की इमरजेंसी या फिर एक्सट्रीम सिचुएशंस आती है, डिजास्टर्स आ जाते हैं, कुछ साइक्लोनिक कंडीशंस आ जाती है, तब रिहैबिलिट करना, वहाँ के लोगों को रिलीफ देना, तो तब NGO का काम क्या होता है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली क्या रोल होता है, ठीक है, और एडवोकेसी में स्पेसिफिकली क्या क्या रोल होता है NGO का। फिर गवर्नेंस में आता है स्पेसिफिकली ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए क्या क्या चीजें हैं, तो कुछ सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, ठीक है। उसके बाद फीचर्स ऑफ गुड गवर्नेंस क्या है वो भी हम देखेंगे। लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन रखनी है हमें टू मेंटेन द गुड गवर्नेंस। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कैसे, ओम्बसमन भी होता है वो क्या होता है, वो कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, इंडिया में कैसा एग्जिस्ट है वो। उसके बाद विसल ब्लोअर्स भी होते हैं कुछ, ठीक है। उसके बाद एंटी करप्शन मशीनरीज होती है कुछ। उसके बाद सिटीजन्स का क्या रोल है गुड गवर्नेंस मेंटेन रखने के लिए,
उसके बाद मीडिया का क्या रोल है, रोल ऑफ मीडिया, ये हर साल क्वेश्चन मेंस में नहीं तो एक आध बार इससे भी पूछा जाता है, रोल ऑफ मीडिया के रिलेटेड। सोशल मीडिया हमारा प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, टीवी मीडिया है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार का मीडिया है, उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। मीडिया बायस ना हो इसके लिए क्या सजेशन आप दे सकते हो स्पेसिफिकली, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। क्रिटिकली एग्जामाइन द रोल ऑफ मीडिया, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोशल ऑडिट कैसे बनता है, सोशल ऑडिट का कंसेप्ट क्या है, वो भी हम देखेंगे। और उसके बाद किस तरह के सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स जरूरी है टू मेंटेन द गुड गवर्नेंस इन द कंट्री, ठीक है। उसके बाद आता है गुड गवर्नेंस के बाद गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, और बाद में आता है ई गवर्नेंस, यानी क्या गवर्नेंस मेंटेन रखना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल्स मेंटेन रख के, अकाउंटेबिलिटी रख के, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रख के, वो अगर हमने मेंटेन रख गया तो हमने क्या अचीव कर लिया, गुड गवर्नेंस। अगर ये अचीव कर लिया तो इसके साथ हमें कुछ चीजों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक अभी सारा ई चल रहा है ना, डिजिटल सारी चीजें हो गई है, तो हम देखते हैं कि कुछ ऑफिसेस इंडिया में डिजिटल बनाई गई है, जो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं रहते अभी, ठीक है, डिजिटली। सिंधुदुर्ग है जो फर्स्ट महाराष्ट्र की ऐसी ऑफिस है, सिंधुदुर्ग का ऑफिस या फिर सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है डिजिटल है वो पूरा का पूरा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ डिजिटल चीजें जो है वो इन्वॉल्व होती जा रही है दिन ब दिन ऑफिसेस में अलग अलग तरह से, ठीक है। तो ई गवर्नेंस कैसे चलेगा, उसका इंट्रोडक्शन कैसा है, यानी क्या किस तरह से हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसको अलग अलग लेवल पर, लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर या फिर सेंट्रल लेवल पर। उसके बाद अप्लीकेशंस क्या है, उसके क्या क्या अप्लीकेशन हमें मिल सकते हैं, उसके अलग अलग मॉडल्स कैसे हम लॉन्च कर सकते हैं थ्रू द ई गवर्नेंस। उसके बाद किस तरह के हमें सक्सेस मिल सकती है, पहले के हमारे कैसे एक्सपीरियंस है क्या इस तरह के, जहाँ पे हमने ई गवर्नेंस का कंसेप्ट लागू किया है तो वहाँ के एक्सपीरियंस हमें क्या कहते हैं, ठीक है। उस तरह से किस तरह के लिमिटेशंस हैं ई गवर्नेंस पर। उसके बाद फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर में अगर किस तरह की सिचुएशंस अगर आ गई या फिर हमें ई गवर्नेंस किसी और जगह पर अगर लागू करना है तो हमें फ्यूचर में किस तरह के कंडीशंस, किस तरह की चीज़ों पर ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सिटीजन चार्टर्स है, कोई भी आप ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करो साइड में एक ब्लॉक रहता है सिटीजन चार्टर का, है ना। कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, किसी भी डिपार्टमेंट की आप ओपन करो, ओपन करने के बाद पहले तो वो उनका नाम रहता है ऊपर, है ना, टाइटल रहता है, टाइटल के बाद यहाँ पे ब्लॉक्स रहते हैं अलग अलग, तो एक ब्लॉक आपको सिटीजन चार्टर का मिलेगा ही कि ये जो वेबसाइट है या फिर ये डिपार्टमेंट है ये सिटीजन सेंटर या फिर सिटीजन चार्टर के लिए क्या काम कर रहा है, तो उनके कुछ गाइडलाइंस कुछ जो वो यूज करेंगे, है ना, ये सारी की सारी चीजें उसमें होती है। तो सिटीजन चार्टर क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कब हुआ था और उनके अलग अलग मॉडल्स कैसे हमें देखने को मिलते हैं, फीचर्स क्या उनके सिटीजन चार्टर इन इंडिया क्या है, उसके बाद इश्यूज कैसे इवॉल्व होते हैं सिटीजन चार्टर के, ठीक है। अभी रिसेंटली 6 महीने पहले सिटीजन चार्टर बहुत ज्यादा न्यूज में था, ठीक है, स्पेसिफिकली। तो इस बार के मेंस जो लिखेंगे उनके लिए है इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सिटीजन चार्टर। उसके बाद सिटीजन चार्टर में कौन कौन से रिफॉर्म नीडेड है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है स्पेसिफिकली कि सिटीजन चार्टर रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म जरूरी है, क्रिटिकली एग्जामिन करो, ठीक है, या फिर इवेल्युएट करो चीजों को, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, यूपीएससी है ना, स्टेट पीसीएस है ना, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी है और यूपीएससी भी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इनके रोल क्या है, इनसे जो अपॉइंट किए जाते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनका रोल क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, किस तरह से हमें जरूरत है सिविल सर्वेंट्स की जो एज ए इम्प्लीमेंटेटर माने जाते हैं, है ना। उसके बाद डिफरेंट रोल्स क्या है उनके अलग अलग प्रकार के, लॉ मेकिंग प्रोसेस उनके पास कितनी राइट्स है, अधिकार है। उसके बाद पॉलिसी किस तरह से वो फॉर्मुलेट कर सकते हैं अपने अपने लेवल पर, उसके बाद पॉलिसी किस तरह से वो जो फॉर्मुलेट की गई है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सरकार की कौन कौन सी पॉलिसीज होती है जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने लेवल पर। उसके बाद सिविल सर्विसेज एज अ प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के प्रोटेक्टर क्यों माना जाता है उनको। उसके बाद टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, जो भी जहाँ जहाँ पे भी जिस स्टेट्स में माइनॉरिटीज है एग्जिस्ट करती है वहाँ वहाँ पे सिविल सर्वेंट्स का रोल क्या है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए उस एरियाज में सिविल सर्वेंट्स का क्या रोल है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 14 में जनधन योजना आई थी, है ना, इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम आई थी वो, है ना, सर्व समावेशक स्थिति बनाने के लिए, ठीक है।
तो उसके लिए बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स को इम्प्लीमेंटेटर रखा गया था, बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है ना। ठीक है, पैन इंडिया स्कीम थी वो एक प्रकार की, पूरे इंडिया के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, उसके बाद सिविल सर्वेंट्स के बाद इंपॉर्टेंट रोल आता है, वो है प्रेशर ग्रुप्स का। बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स की क्रिएट हो जाते हैं, जो सवाल उठाते हैं, अपना आवाज उठाते हैं, जो हमारे राइट्स मिले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसके तहत ही कुछ प्रेशर ग्रुप्स हमारे सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो कुछ अपने डिमांड रखते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एसोसिएशंस होते हैं कुछ, जो फॉर्मल बनते हैं और कुछ इनफॉर्मल होते हैं। ठीक है, उसके बाद उनके रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन द पॉलिटी, वो भी देखेंगे। उनके टाइप्स क्या है, अलग अलग प्रकार के, उनका बनने के पीछे क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है, क्यों ये प्रेशर ग्रुप जरूरी है, क्यों जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, रोल मीडिया जरूरी है इंडिया में, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी का आ जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से प्रेशर ग्रुप्स भी जरूरी है, सिविल सोसाइटी एक आएगा टॉपिक, वो भी जरूरी होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स क्या है, जो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये प्रेशर ग्रुप्स, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, डिफरेंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज में और प्रेशर ग्रुप्स में, दोनों में अंतर क्या है, दोनों के पावर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रोल क्या क्या अलग अलग देखने को हमें मिलता है। उसके बाद उनका रोल क्या है स्पेसिफिकली ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स। उसके बाद आता है वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स, फंक्शंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हमारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी है ना, अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। वहां पे ऑब्वियसली कुछ ऑफिसर्स सिलेक्ट होंगी जिनको अपॉइंट किया जाएगा वहां पे स्पेसिफिकली। तो पोस्ट, अलग अलग प्रकार के पोस्ट कैसे होती है, उनको क्या क्या अधिकार दिए जाते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं स्पेसिफिकली, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, स्पेसिफिकली तो कुछ ऑफिसर्स है जो इंपॉर्टेंट है और हर साल न्यूज में आते हैं। जैसे मैंने अभी कहा था, कैग न्यूज में आ जाता है क्योंकि हर साल वो रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट जिसको हम कहते हैं, तो उनके पावर्स प्रोसीजर्स क्या है कैग स्पेसिफिकली, उसके रिलेटेड। उसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, वहां पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे बैठते हैं, दो अलग और कमिश्नर होते हैं। अभी सुशील चंद्रा रिसेंटली अपॉइंट हुए थे एज इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो ये अपॉइंटमेंट न्यूज में आ गई, तो हम पूरा का पूरा ऑफिस न्यूज में आ गया, आपको पूरा का पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछेंगे, कौन सा आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कब गठित किया गया था, उनकी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, उसके बाद फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके बाद पावर्स क्या क्या ग्रांट किए गए, उनके पास क्या क्या प्रिविलेजेस है, विशेषाधिकार है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। उसका कंपोजिशन कैसा है, किस तरह से वो बनी है, किस तरह से उनके फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस क्या क्या दिए गए हैं यूपीएससी को। उसके बाद फाइनेंस कमीशन आती है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, प्रोसीजर क्या है अपॉइंटमेंट की, वो भी हम देखेंगे। फाइनेंस कमीशन का कंपोजिशन कैसा होता है, उसकी फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग एरियाज पर कुछ अलग अलग नेशनल कमीशन भी गठित की जाते हैं, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर एससीज है, एसटीज है, ओबीसी है। ठीक है, तो इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट किन लोगों की होती है, उनके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर्स कौन कौन सी ग्रांट की गई है, वो भी हम देखना। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री के जरिए कुछ बॉडीज भी गठित की जाती है, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसको हम कहते हैं, जिसमें स्टैट्यूटरी बॉडी आती है स्पेसिफिकली, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहा जाएगा। कुछ अदर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है। ठीक है, उसके साथ साथ जिसमें पार्लियामेंट के एक्ट के जरिए कुछ बनाई गई, कुछ जुडिशियल इंपॉर्टेंस के जरिए बनाई गई। ठीक है, तो कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। उसके बाद कुछ रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं जिनका काम होता है रेगुलेशन मेंटेन रखना। उसके बाद कुछ क्वासी जुडिशियल बॉडीज होते हैं जिनके पास कुछ अधिकार होते हैं जुडिशियरी के। ठीक है, जैसे मैंने कहा एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, उसके बाद सेंट्रल अपलेट ट्रिब्यूनल भी होता है, कैट जिसको हम कहते हैं, जिनके पास भी कुछ अधिकार होते हैं। ठीक है, तो इनको क्वासी जुडिशियल बॉडीज कहा जाता है। तो अलग अलग प्रकार की बॉडीज है, जो साल भर में कम से कम एक बॉडी न्यूज में तो रहेगी आपके, सीबी रहता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रहता ही है न्यूज में, सीवीसी है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है, वो न्यूज में रहता ही है। उसके बाद सीबीआई है, सीबीआई अभी न्यूज में आया था और महाराष्ट्र में तो चल ही रहा है सीबीआई, क्योंकि महाराष्ट्र के जो पहले गवर्नर थे है ना, सॉरी गृह मंत्री थे है ना, उन पर सीबीआई की केस चल रही है।
ठीक है, उसके बाद बहुत सारी केसेस भी चल रही है और सीबीआई जिस जो हाथ में लेता है, ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन न्यूज में आ गया पूरा का पूरा, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, 2 साल पहले कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट हो गई थी सीबीआई में, तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल अपॉइंटमेंट न्यूज में आ गई कि किसका चयन किया जा सकता है सीबीआई में, स्पेशली सीबीआई पर किनका कंट्रोल रहता है, ठीक है, सीबीआई और स्टेट इलेक्शन स्टेट पुलिस में क्या अंतर है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद प्लानिंग कमीशन होती है हमारी, जो हमारी अभी कौन सी नीति आयोग है ना, नीति आयोग है स्पेसिफिकली, ठीक है, थिंक टैंक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैंने कहा था जैसे 5 ईयर प्लान बनते थे 5-5 साल के लिए, तो प्लानिंग कमीशन स्पेसिफिकली 5 ईयर का प्लान बनाती थी जो सरकार फिर इम्प्लीमेंट करती थी। तो प्लानिंग कमीशन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होती है, बजट बनने के बाद इनके पास, बजट बनने से पहले इनके पास सारी की सारी चीजें आती हैं, ठीक है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का क्या रोल होता है, ठीक है। पीएम का खुद का एक ऑफिस होता है जिसको हम पीएमओ कहते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहते हैं जिसको, ठीक है, जिसमें सारे के सारे कोर लोग बैठते हैं। तो पीएमओ ऑफिस क्या होता है, जब इंदिरा गांधी सरकार थी तब उन्होंने किचन कैबिनेट का कॉन्सेप्ट लाया था, तो किचन कैबिनेट क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है, और पीएमओ में क्या डिफरेंस है। जोनल काउंसिल होते हैं, मैंने कहा अलग अलग प्रकार के जोन से है ना। उसके बाद कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज भी होती है जिसमें ट्राई है और आईआरडीए है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे ट्राई और आईआरडीए क्या है, डिफरेंस क्या है उसमें, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, एनएचआरसी जिसको हम कहते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर कौन से, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो ह्यूमन राइट्स के इश्यूज है उस पर स्पेसिफिकली ये चर्चा करेंगे, सरकार को रिकमेंडेशंस देंगे, रिपोर्ट सबमिट करेंगे है ना, सजेशंस देंगे कुछ, सरकार भी राय लेंगी एनएचआरसी की एचएसआरसी की। उसके बाद सेंट्रल लेवल पर इंफॉर्मेशन कमीशन होती है जहां पे स्पेसिफिकली आईएएस ऑफिसर अपॉइंट किए जाते हैं, आईएएस ऑफिसर भी, और इसके साथ साथ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं जो यूपीएससी से स्पेसिफिकली चुने जाते हैं, आईआईएस एक पोस्ट होती है हमारे यूपीएससी में सिविल सर्विसेज की, जब हम एग्जाम देते हैं तो इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस होती है, तो यहाँ पे वो बैठेंगे स्पेसिफिकली, ठीक है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, उनका एक कमीशन होता है, वो भी हम देखेंगे उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कैसे वो फंक्शन करते हैं। उसके बाद नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन होती है, ठीक है, सिटीजन्स के स्पेसिफिकली या फिर कंज्यूमर्स लोगों के, ग्राहक सुरक्षा केंद्र आपने सुना का नाम है ना, ग्राहक सुरक्षा केंद्र है ना, तो रिड्रेसल जो भी होंगे, जो भी समस्याएं होंगी उनको सॉल्व करने के लिए इस तरह के कमीशन गठित किए जाते हैं। उसके बाद ट्रिब्यूनल्स होते हैं जिनको क्वासी जुडिशियल भी माना जाता है ना, क्वासी जुडिशियल, जैसे एनजीटी है, कैट है, उनका रोल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, क्या क्या अधिकार उनको दिए गए। उसके बाद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी होती है, ठीक है, पेंशन प्रोविडेंट फंड रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, उसके बाद प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके बाद फॉरवर्ड मिस्टेक्स कमीशन कुछ होती है, कुछ मार्केट कमिटीज होती है गठित की जाती है स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये भी होती है, इनलैंड वाटरवेज के लिए स्पेसिफिकली एक अथॉरिटी बनाएगी, जैसे हमारी एनएचएआई है ना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंडर में आती है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ कमिटीज कुछ कमीशन भी गठित की जाती है। उसके बाद आरबीआई है, आरबीआई का रोल है जो स्पेसिफिकली हम जब इकोनॉमिक्स देखेंगे तो उसमें तो स्पेसिफिकली आरबीआई का रोल आएगा ही। पॉलिटी में क्या आएगा, आरबीआई किसका चयन किया जाता है, अपॉइंटमेंट कैसी होती है आरबीआई में गवर्नर्स लोगों की, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अभी के जो हमारे गवर्नर है वो एक आईएएस ऑफिसर है ना, इसके पहले क्या था, एक आधा फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स या फिर एक आधा इकोनॉमिस्ट ही अपॉइंट होता था, लेकिन हमारे जो अभी के गवर्नर है वो एक आईएएस ऑफिसर है जो हिस्ट्री ग्रेजुएट है, हिस्ट्री ऑनर्स है वो, ठीक है। तो आरबीआई जो चला रहे वो हिस्ट्री ऑनर्स है फिर आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर, ये कॉन्ट्रोवर्सी भी आया था, बहुत ज्यादा चर्चा में भी आई थी ये पोस्ट, ठीक है। तो आरबीआई रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके साथ साथ अपॉइंटमेंट कैसी होती है, किसकी होनी चाहिए, जरूरी है, तो ये स्पेसिफिकली अगर अपॉइंटमेंट का इशू कॉन्ट्रोवर्सी में आएगा तो आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू में स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीलिम और मेंस में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अलग अलग प्रकार के एक्ट, रिप्रेजेंटेशन एक्ट आए थे 50s में और 51 में, उनका रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी,
उनमें क्या क्या प्रोविजंस थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्यों जरूरी है, इलेक्शंस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, अकाउंटेबल बनाने के लिए कौन कौन से रिफॉर्म्स जरूरी है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखते हैं हमें, ये जो अभी गवर्नमेंट है इसमें नियर अबाउट 30-40% जो मंत्री है मिनिस्टर्स है उन पर क्रिमिनल केसेस है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है, क्रिमिनल भी बहुत ऑफेंसिव क्रिमिनल्स है मतलब, ठीक है, मर्डर केसेस है, बहुत सारी केसेस है उन पर, ठीक है। तो ये हमारा जो एक रिपोर्ट आता है मैं बताऊंगा आपको कल, ठीक है, वो स्पेसिफिकली ये इस तरह का रिपोर्ट बनाता है, ठीक है, कि किन लोगों पर क्रिमिनल केसेस है, क्या है, किस तरह से हमारे लोकसभा और राज्यसभा में ऐसे बहुत सारे MPs, स्टेट लेवल पर भी MLAs है जिन पर ऑलरेडी क्रिमिनल केसेस है और उनको ही हम चुन कर दे रहे जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स बनकर काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद निगेटिव और न्यूट्रल वोटिंग क्या होता है, कंसेप्ट क्या है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस कैसी होती है, उसके बाद इररेगुलरिटीज इन द पोलिंग, ठीक है, पोलिंग जब होता है तब इररेगुलरिटीज कैसे तैयार होती है, उसके बाद अलग अलग प्रकार के पॉलिटिकल पार्टीज है, कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टीज है, कुछ नेशनल पार्टीज होती है, कुछ स्टेट्स पार्टीज होती है ना, नेशनल और स्टेट पार्टीज में क्या डिफरेंस है, क्या क्राइटेरिया है नेशनल पार्टी बनने के लिए, ठीक है, कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, स्टेट पार्टी कब बन सकती है, कौन सी भी रीजनल पार्टी, रीजनल पार्टी कौन सी बन सकती है, कुछ लोकल पार्टीज होती है वो कैसे बन सकती है, ठीक है। उसके बाद पार्टी रिफॉर्म्स जरूरी होते हैं अलग अलग पार्टीज में, रिफॉर्म्स किस तरह के, प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं जब वो वर्किंग उनकी करते हैं तब, कास्टिज्म और पॉलिटिक्स, ज्यादातर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट बेसिस ही है ना, तो कास्टिज्म क्या हमें इन्वॉल्व होता हुआ देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टीज जब बनती है तब। उसके बाद रिफॉर्म्स कौन कौन से जरूरी है पार्टी सिस्टम ऑफ इंडिया में। उसके बाद एंटी डिफेक्शन मेजर्स क्या होते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ है स्पेसिफिकली, ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप्स तो हमने देखे ऑलरेडी, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स क्यों जरूरी है, उनके रोल्स क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। बिल्स, अब ये है रिसेंट डेवलपमेंट यानी करंट अफेयर्स जो आपको पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, ठीक है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, तो जो बिल्स न्यूज में आ रहे हैं वो बिल्स आपको पूछे जाएंगे। फॉर एग्जांपल अभी एग्रीकल्चर बिल तीनों के तीनों भी न्यूज में, तो उसको उसके रिलेटेड अभी मॉनसून सेशन में बहुत सारे बिल जो है कॉन्ट्रोवर्सली विद इन 20 मिनट्स पास किए गए, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में थे। स्पेसिफिकली मैं मेंशन कर रहा हूँ इंश्योरेंस का बिल था बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है ना, राज्यसभा में एम वेंकैया नायडू के आंखों में पानी आ गया, इंश्योरेंस बिल जब पास हो रहा था तो बहुत सारे लोग उनके आंख पर चढ़ गए थे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा था, ठीक है, लेकिन ये भी डिस्कशन होना चाहिए, मेन डिमांड थी अपोजिशन की डिस्कशन की जाए इस पर, लेकिन सरकार चाह रही कि जितने ज्यादा से ज्यादा बिल हम पास कर सके इस सेशन में उतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टारगेटेड बिल होते हैं ना, तो नियर अबाउट 37 बिल टारगेट किए गए थे, तो उनको पास करना ही है 1-1.5 महीने के टाइम पीरियड में, तो अगर एक को भी ले लिया बिल को तो एक दिन एक को भी लिया तो भी 37 बिल कवर अप नहीं होंगे, है ना, तो ये तो 37 के आसपास 40 के आसपास बिल थे, तो इनको विद इन 30 डेज पास करना ये बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो गया था, ठीक है। तो कुछ बिल्स चर्चा में आ गए थे, एग्रीकल्चर बिल अभी भी न्यूज में क्योंकि प्रोटेस्ट चली रही है, अभी कुछ स्टेट्स ने उसको लागू किया है, कुछ स्टेट्स ने लागू अभी भी नहीं किया है, ठीक है। ये कुछ बिल तब के दिए गए, आपको न्यूज़पेपर में देखना है कौन से भी न्यूज में स्पेसिफिकली जो रिसेंट आपके न्यूज़पेपर में आते हैं, ये सिलेबस थोड़ा सा पहला का है यानी इसलिए इसमें पिछले बिल दिए गए, कुछ आपको रिसेंट जो बिल आएंगे न्यूज़पेपर में वो आपको देखना। यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी न्यूज अगर आती है न्यूज़पेपर में तो आपको वो कवर अप करने, किसके रिलेटेड, प्रेसिडेंट रूल के रिलेटेड अगर न्यूज आती है, ठीक है। उसके बाद प्रमल्गेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस, जो एग्रीकल्चर बिल्स के पहले ऑर्डिनेंसेस लागू किए गए थे तो ऑर्डिनेंसेस न्यूज में आ गए थे। उसके बाद रिमूवल ऑफ गवर्नर्स रिलेटेड, अभी रिसेंटली 2 स्टेट्स के न्यू गवर्नर अपॉइंट किए गए हैं, वो कौन से स्टेट्स है देख लो, वो न्यूज में आए हैं अभी 2-3 दिन के अंदर ही, ठीक है, तो वो कौन से स्टेट्स है जहाँ के गवर्नर अपॉइंट किए गए, नाम नहीं पूछा जाएगा आपको कि ये गवर्नर अपॉइंट किए गए, कौन से स्टेट्स में किए गए रिसेंटली और गवर्नर अपॉइंटमेंट की क्या प्रोसीजर होती है, स्पेसिफिकली कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होती है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद
पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द पोस्ट ऑफ गवर्नर, ये भी कभी कभी आपके न्यूज में आ जाता है। स्पेसिफिकली द हिंदू अगर आप पढ़ रहे हो तो ये आपका एडिटोरियल का पेज है, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर एडिटोरियल होता है, यहाँ पे एक मेजर एडिटोरियल होता है, और साइड में एक शॉर्टली ऐसा लंबा सा एक एडिटोरियल होता है। वहां पे जो एडिटोरियल आते हैं स्पेसिफिकली वो रहते हैं मेंस के क्वेश्चन के और इंटरव्यू के और एसे के क्वेश्चन के। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आर्टिकल। ये स्पेसिफिकली आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के रिलेटेड, पॉलिटिसाइजेशन के रिलेटेड आता है, ठीक है। वुमेन इश्यूज हो गए न्यूज में तो उसके रिलेटेड आता है, सोसाइटी के इश्यूज होंगे, सोशल जस्टिस के इश्यू होंगे, इसके रिलेटेड आता है। तो आपको द हिंदू पढ़ते हो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, आइडिया आपकी क्रिएट होगी धीरे धीरे कहां पे कौन से आर्टिकल्स डिफाइन होते हैं स्पेसिफिकली, ठीक। उसके बाद रिलेवेंस ऑफ राज्यसभा, ये भी न्यूज में आता है कभी कभी, ठीक है। उसके बाद रिसेंटली अभी आया था कि राज्यसभा और लोकसभा में हमें जो एमपीज है उनकी संख्या बढ़ाकर चाहिए, है ना। तो डिलिमिटेशन कमीशन आ गई न्यूज में, जो जिसकी लिमिट 2026 तक के है। तो अभी हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है, उसमें संख्या सिटिंग भी बहुत ज्यादा की गई है उन्होंने, नियर अबाउट 900 के आसपास। तो हो सकता है 2025 के बाद, 2024 के बाद जो इलेक्शन आएगा उसमें संख्या बढ़ा दी जाएगी रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। तो इस तरीके से रेलेवेंस आ जाता है। फिर राज्यसभा का क्या है, है ना, ठीक है। फ्रीक्वेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स इंपैक्ट, कुछ चीजें पार्लियामेंट रिलेटेड भी चर्चा में आ जाती है, कुछ चीजें कॉन्ट्रोवर्सी बन जाती है पार्लियामेंट रिलेटेड। एंटी डिफेक्शन लॉ ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि बहुत ज्यादा न्यूज में आ जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, यानी कोई भी एमपीज और एमएलए अगर इन ऑफिस है तो वो किसी भी अदर ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस का एम्प्लॉय नहीं हो सकता। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या है, अरविंद केजरीवाल के रिलेटेड ये इशू न्यूज में आया था, ठीक है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, स्पेशल प्रिविलेजेस क्या दिए गए एमपीज को, ठीक है। उसके बाद कुछ फ्रीबीज होती है, यानी क्या कुछ अदर टाइप ऑफ पावर्स प्रिविलेजेस हो सकते हैं, विशेषाधिकार हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जुडिशियरी तो टोटली न्यूज में आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट न्यूज में आ गया, हाईकोर्ट न्यूज में आ गया। हाईकोर्ट क्यों न्यूज में आ गया था, एक हाईकोर्ट है जिसने रेप की जो परिभाषा है वो अलग से बता दी है, तो ये हाईकोर्ट न्यूज में आ गया। वो आपको देखना है कौन सा हाईकोर्ट है, उसके रिलेटेड अभी दो तीन दिन से कंटिन्यूस आर्टिकल चल रहा है, कॉन्कर के मैं डाल रहा हूँ वो आर्टिकल, ठीक है। स्पेसिफिकली तो ये स्पेसिफिकली आपको देखने हाईकोर्ट न्यूज में आ गया। उसके बाद रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हो गई 9 जजेस की, तो आपको सुप्रीम कोर्ट क्या है, उनका रोल क्या है, उनके ज्यूरिसडिक्शन क्या होते हैं, किस तरह से कॉलेजियम सिस्टम हमारी चलती है, किस तरह से अपॉइंटमेंट होती है न्यू जजेस की, कहाँ से होती है। मैंने कहा कि 8 जो जजेस है वो हाईकोर्ट के और एक जो है वो लॉयर है, तो लॉयर की अपॉइंटमेंट किस तरह से हो सकती है, ठीक है, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, वो न्यूज में आएगा ही स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद प्रोसीडिंग्स के रिलेटेड भी बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है, प्रोसीडिंग्स ऑफ हाई सुप्रीम कोर्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद पीआईएल कैसे फाइल होती है, पीआईएल बहुत ज्यादा न्यूज में आती है, ठीक है। उसके बाद एडवोकेट्स बिल, ये पिछला बिल है, ठीक है, इस बार तो ये न्यूज में नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद जुडिशियल ओवररीच का होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी क्या है, उसके बाद ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की मांग की गई थी बहुत सारी, कि जैसे आईएएस ऑफिसर होते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसे ही ऑल इंडिया लेवल पर जुडिशियल सर्विस भी बनाई जाए, इस तरह की मांग की गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं की गई है पूरी, ठीक है। तो ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की ये स्पेसिफिकली पूछा जाता है आपके पीटी में, पर्सनैलिटी टेस्ट में, यानी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या हमें ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, उससे क्या फायदा होगा, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद जुडिशियल रिफॉर्म्स कैसे जरूरी है, ठीक है, आज भी हम देखेंगे बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ना, पेंडिंग है। आपने बहुत सारे मूवीज देखी होंगी, उसमें बताया गया है कि बहुत सारे केसेस पेंडिंग है, ठीक है, जॉली एलएलबी वगैरह के मूवीज, उनमें बहुत सारी चीजें बताई गई, तो रियलिटी है वो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट्स जल्दी से जल्दी किए जाते हैं, क्योंकि जजेस की संख्या कम है, जो होनी चाहिए एक्चुअली रिलेटेड विद द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो इसीलिए जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ जाती है, फंक्शनिंग पावर्स ऑफ जुडिशरी वो भी न्यूज में आती है, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो भी न्यूज में आते हैं, स्पेसिफिकली कैट वगैरह होगा, है ना। उसके बाद एनजीटी न्यूज में आ जाता है, उसके रिलेटेड न्यूज पेपर में कुछ ना कुछ न्यूज आती है,
लोकल गवर्नमेंट रिलेटेड बहुत सारी न्यूज आती रहती है, अर्बन लोकल बॉडीज वगैरह, उनके इलेक्शंस वगैरह, कौन कंडक्ट करता है, इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आती ही रहती है। उसके बाद इलेक्शंस के रिलेटेड स्पेसिफिकली है ना, लोकल लेवल के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट्स लेवल के इलेक्शन होते हैं, सेंट्रल लेवल के इलेक्शंस होते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, है ना। अभी यूपी में इलेक्शंस होने वाले हैं, है ना, 22 में, तो ऑब्वियसली वो चर्चा चली रही है, ठीक है। वहां पे स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए, जो पहले यूपी के चीफ सेक्रेटरी थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनको ही बनाए गए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, जो कंडक्ट करेंगे यूपी के 2022 के इलेक्शन, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी में आ गए थे, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी थी वो अपोज कर रही थी कि जो आपके फेवर के चीफ सेक्रेटरी थे आईएएस ऑफिसर, उनको ही आपने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर दिया, तो कैसे ये ट्रांसपेरेंट होगी इलेक्शन, ठीक है। तो चर्चा में आ गए ना, चीफ सेक्रेटरी आ गए, उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछ सकते हैं, इलेक्शन कैसे होता है स्टेट में ये पूछ सकते हैं, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, यानी तीनों के तीनों एरियाज न्यूज में आ गए, कोई भी एक पूछ सकता है, ठीक। तो इस तरह से आपको लिंकेजेस करने की, जो न्यूज में आ गए उसके रिलेटेड अदर एरियाज कौन से है जो न्यूज में आ रहे हैं, अदर कौन सी पोस्ट है जो न्यूज में आ रही है, ठीक है, स्पेसिफिकली, ठीक है। तो इलेक्शन क्या है, नन ऑफ द अबव वाला एक कंसेप्ट था नोटा, ठीक है, वो क्या था, नन ऑफ द अबव वाला, ठीक है। उसके बाद अलग अलग प्रकार के बिल्स वगैरह इलेक्शन रिलेटेड न्यूज में आती ही रहते, बहुत सारे इश्यूज है वो न्यूज में आती ही रहते, ठीक है। वुमेन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए ये भी न्यूज में आता ही रहता है, जैसे अपॉइंटमेंट्स में आता है, ठीक है। उसी तरह से एक हमारा लॉ कमीशन रहता है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है, वो भी रिपोर्ट सबमिट करती है स्पेसिफिकली इलेक्शन रिलेटेड स्पेसिफिकली, ठीक है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिलेटेड वो सारी चीजें बताते हैं। उसके बाद अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में रहते हैं, अलग अलग प्रकार की बॉडीज रह सकती है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, ये सारी की सारी बॉडीज कुछ ना कुछ तो न्यूज में रहेगी रहेगी, ठीक है। सो फाइनेंस कमीशन गठित होता है, वो न्यूज में आता है, ठीक है। ये इस बार का कौन सा था, 15 फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो वो न्यूज में आ गया था, ठीक है। स्पेसिफिकली वो रिपोर्ट सबमिट करेगा स्पेसिफिकली, फाइनेंस कमीशन का रोल क्या रहता है। उसके बाद 7th पे कमीशन, ठीक है। उसके बाद आप्सपा होता है एक, और सेकंड एआरसी, ये स्पेसिफिकली फोर्स जो कुछ स्टेट्स में लागू की गई थी, है ना, जो विदाउट वारंट अंडर हैंड किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ना, ठीक है। स्पेसिफिकली जहां पे धोखा था टेररिस्ट का, वहां पे स्पेसिफिकली आप्सपा जो है वो लागू की गई थी, ठीक है। स्पेसिफिकली एआरसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन जो है हमारी, उसका सेकंड एआरसी जो रिपोर्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली, और हमारे लिए सेकंड एआरसी का स्पेसिफिकली रिफॉर्म्स का जरूर है, जिसमें ई गवर्नेंस भी है, ठीक है। ई गवर्नेंस क्या है, रोल ऑफ पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिकली, रोल ऑफ सिविल सोसाइटीज, आरटीआई एक्ट है ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो 2005 में लागू किया गया था, है ना, आरटीआई एक्ट, वो भी न्यूज में आ जाता है, ठीक है। रोल ऑफ नीति आयोग, इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट, ये ज्योग्राफी जब हम पढ़ रहे थे मैंने बताया था कि बहुत सारे स्टेट्स के दोनों के बीच में इंटर रिवर वाटर डिस्प्यूट क्रिएट किए गए हुए हैं, है ना, बहुत सारे फॉर शेयरिंग ऑफ वाटर, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, अलग अलग प्रकार के अकाउंट कमिटीज हैं, मैंने कहा पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है, अलग अलग प्रकार के अदर ग्रुप्स भी क्रिएट किए, पार्लियामेंट्री ग्रुप्स जिसको कहा जाता है, तो उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है वो कभी कभी न्यूज में आता है। सीबीआई तो अभी चल ही रहा है न्यूज में, तो हर हफ्ते में एक तो आर्टिकल है ही सीबीआई पर, ठीक है, हर हफ्ते में एक आर्टिकल है ही सीबीआई पर, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिलेटेड। उसके बाद फंक्शनिंग ऑफ कैग के रिलेटेड, उसके बाद आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन न्यूज में रहता ही है, एनजीओज का रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूज में रहती है, ठीक है। कल मैंने एक बताया था आपको सीएसआर फंडिंग है ना, कंपनीज को कुछ शेयर अपना जो है इनकम का वो वेलफेयर के लिए जो है वो खर्च करना पड़ता है, ठीक है। तो सीएसआर फंडिंग के तहत कुछ डायरेक्शंस दी जाती है उनको कि इस तरह से, तो सीएसआर फंडिंग करते वक्त ये जो कंपनी एक टाइप कर लेती है किसी एनजीओ के साथ कि आप, हम आपको पैसा दे देते हैं, आप उस एरियाज में इन चीजों को इंप्लीमेंट करो तो हम आपको फंडिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सीएसआर न्यूज में आ गया, एनजीओ न्यूज में आ गई, सरकार का रोल क्या है सीएसआर के रिलेटेड, ठीक, वो भी न्यूज में आ जाता है, ठीक है।
उसके बाद स्किल डेवलपमेंट सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट एजेंसीज कौन कौन सी इंडिया में वर्क कर रही है, ठीक है, स्पेसिफिकली उसके रिलेटेड स्पेसिफिकली स्कीम्स कौन कौन सी है। कौशल विकास योजना लॉन्च की गई थी प्रधानमंत्री, उसके रोल्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स तैयार करने के लिए स्पेसिफिकली, वो न्यूज़ में आ जाती है। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाएगा, ऐसा भी आर्टिकल आ जाएगा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो लागू की थी उसमें हमने अब तक कितनी सक्सेस पा ली है, कितनी सक्सेस अचीव की है। जैसे मनरेगा के रिलेटेड आती है ना, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के रिलेटेड, कि 2005 के आसपास वो लागू हुआ था, लेकिन आज तक भी हमारे गांव की महिलाएं डेली वेजेस पर काम ही कर रही है ना। डेली वेजेस कम ज़्यादा होता रहता है, तो वो न्यूज़ में आ गया स्पेसिफिकली कि कितनी सक्सेस हमने पा ली, ठीक है। उसके बाद इनिशिएटिव्स फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो भी न्यूज़ में आ जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट स्कीम लॉन्च की गई थी प्लेटफॉर्म, वो था प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का, गवर्नेंस का, जो प्रगति करके लॉन्च किया गया था स्पेसिफिकली, ठीक है, अभी भी वो चल ही रहा है, ठीक है। स्पेसिफिकली कुछ अलग अलग प्रकार के इश्यूज भी न्यूज में आ जाते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इशू, या फिर पीडीएस का कल हमने देखा था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इशूज न्यूज में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आधार, आधार का रोल क्या है, ठीक है, आधार हम एज अ सिटीजन कार्ड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, आधार का किस तक, किस हद तक उनकी लिमिटेशंस प्रोवाइड की गई है, ठीक है। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी, उसका रोल, ठीक है, कुछ VIPs यानी प्रिविलेजेस दिए जाते हैं स्पेसिफिकली, तो अभी प्रिविलेजेस का इशू आ गए कैबिनेट मिनिस्टर का, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर को क्या क्या प्रिविलेजेस दी गई है बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अलग अलग प्रकार की स्कीम्स जो साल भर की अपनी आपकी जितनी भी स्कीम्स होंगी वो भी न्यूज में आ जाएंगी। वो एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम हो सकती है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो सकती है, या फिर स्टेट स्कीम्स हो सकती है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स और पॉलिसीज भी न्यूज़ में आ जाती है, बहुत सारे पॉलिसीज डिज़ाइन की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसीज, नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी न्यूज़ में आ गई, तो ये पॉलिसीज में आ गई, ठीक है, स्पेसिफिकली जो न्यूज़ में आती रहती है, आपके आर्टिकल आते ही रहेंगे उस पर। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आते हैं लॉ कमीशन के, या फिर अलग अलग रिपोर्ट्स आते हैं, नीति आयोग भी अपना एक SDG रिपोर्ट बनाता है ना, जिसको SDG जो है वो इंडेक्स भी कहा जाता है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए जो इंडिया ने टारगेट किया स्पेसिफिकली, ठीक है। उसके बाद मिसलेस यानी अदर चीजें जो पॉलिटी रिलेटेड न्यूज में आएंगी वो आपको न्यूज़पेपर से निकालनी है, उसके रिलेटेड नोट्स बनानी है आपके पास, ठीक है, साल डेढ़ साल की कम से कम न्यूज़पेपर, ठीक है। तो मिसलेस में अदर प्रकार की सारी चीज़ें आती रहती है, नेशनल वाटर कमीशन फ्रेमवर्क का, ठीक है, ये सिलेबस है, कुछ एडेड पार्ट्स ही इसमें होंगे ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि नई नई चीज़ें बनी रही है। अभी जैसे हमने कल देखा था नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाएगी, है ना, ये क्या है जो हम इकोनॉमिक्स में स्पेसिफिकली देखने वाले हैं, कल मैंने उसका ओवरलुक आपको बताया था एक, ठीक है। तो इस तरह के कुछ इश्यूज तो चर्चा में रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, आधार का इशू, मनरेगा का इशू, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इशू, बहुत सारे इश्यूज चर्चा में रहते हैं, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपका जो पॉलिटी का पोर्शन है या फिर पॉलिटी एंड गवर्नेंस का है, जो स्पेसिफिकली आपके GS2 में मेंशन है, उसमें इंडियन पॉलिटी है स्पेसिफिकली, जिसका हमने सिलेबस डिटेल में देखा, गवर्नेंस का भी देखा हमने स्पेसिफिकली क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट कौन कौन सी है जो आपके करंट अफेयर्स में आ सकते हैं, उसके बाद IR का टॉपिक है स्पेसिफिकली, ठीक है, जिसके रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चंस हर साल आती है GS Paper 2 में, IR रिलेटेड यानी नेबरिंग कंट्रीज के साथ हमारे क्या रिलेशंस है, उसके साथ साथ अदर कंट्रीज जो है उनके साथ साथ क्या क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल अभी 2-3 हफ्ते से चल रहा है इंडिया तालिबान, इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन, उसको पढ़ो अच्छे से, वो कंसेप्ट क्लियर करो इंडिया तालिबान में रिलेशन, तालिबान ने अगर गवर्नमेंट, अभी लगभग उनके हाथ में सारी की सारी गवर्नमेंट तो आ ही गई है, ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से अगर तालिबान ने अपना खुद का गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया तो इंडिया और तालिबान में किस तरह के रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान और इंडिया में किस तरह के रिलेशन थे, ये भी हमें चर्चा में पता होने चाहिए, ठीक है। तो IR के इश्यूज बहुत सारे न्यूज में आते हैं रिसेंटली, अभी इंडिया रशिया न्यूज में रिलेशन, उसका कल ही आर्टिकल मैंने कॉन्करनेक्स पर डाल दिया है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो भी न्यूज आ रही है पॉलिटी रिलेटेड, IR रिलेटेड, सोशल जस्टिस रिलेटेड, वुमेन इश्यूज होंगे, वीकर सेक्शंस के इश्यूज होंगे, वल्नरेबल सेक्शंस के इशू होंगे,
अभी सोशल जस्टिस में इशू कौन सा आ रहा है, रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, महाराष्ट्र में मराठा इलेक्शन मराठा रिजर्वेशन का इशू चल रहा है, तो पूरी की मराठा कम्युनिटी न्यूज़ में आ गई। उनके सोशल राइट्स क्या हैं, एजुकेशनली कैसा है वो आपको इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिकली कि एजुकेशनली वो बैकवर्ड है या उनकी स्थिति अच्छी है खासी है, इकोनॉमिकली वो कैसे है और क्यों वो रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं। धनगर एक कम्युनिटी है महाराष्ट्र की, वो भी डिमांड कर रही है कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, ठीक है, इस वो वैसे स्पेसिफिकली, ठीक है। तो सोशल जस्टिस स्पेसिफिकली चाइल्ड ट्रैफिकिंग के इश्यूज न्यूज़ में आते रहते हैं, वुमेन सिक्योरिटीज़ के इश्यूज न्यूज़ में आते रहते हैं, ठीक है। इंडियन सोसाइटी के फीचर्स आपको पूछे जाएंगे स्पेसिफिकली क्या है, ठीक है। तो IR में स्पेसिफिकली ये तो मेंशन ही, इंडिया नेबरिंग कंट्रीज, इंडिया और एशियन कंट्रीज जो है वो एशियाज में जो अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन है, SAARC है, आसियान है, अलग अलग प्रकार के एसोसिएशन बने हैं, इंडिया अदर कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन G7 है, यूनाइटेड नेशंस है, अलग अलग प्रकार के उसके विंग्स हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के अलग अदर ऑर्गेनाइजेशन है, G7 है, G8 है, G20 है, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ये आते ही रहते हैं न्यूज़ में, ठीक है। तो ये इसके रिलेटेड जितने भी न्यूज़ में आती है चीज़ें, हम स्पेसिफिकली क्या देखने वाले हैं, दो इशू जो आपके NCERT में स्पेसिफिकली कौन सा है, क्वालिटी और गवर्नर। बाकी की चीज़ें आपको रेफरेंस बुक में मिल जाएंगी जो IR रिलेटेड होंगी, सोशल जस्टिस रिलेटेड होंगी, ठीक है, स्पेसिफिकली IR में भी स्पेसिफिकली ये सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर से करनी है। तो न्यूज़पेपर आपको डेली पढ़ना है जिससे आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, सारी पता। तो जो न्यूज़पेपर IR इन टॉपिक्स के रिलेटेड आ रही है, जो हमने सिलेबस भी देखा, वो अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो कम से कम उसको कट करके आपके एक आधे फोल्डर में उसको लगा कर रख दो और वहाँ पे टॉपिक लिख लो कि ये पॉलिटी का टॉपिक है, गवर्नेंस का टॉपिक है, IR का टॉपिक है या फिर सोशल जस्टिस का टॉपिक है। आपके पास कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि UPSC में कह रही है, अभी UPSC ने ये कहा नहीं कि मैं 2 साल का पूछूंगा या 1 साल का पूछूंगा, UPSC ने कहा है, ये क्लासेस वाले कहते हैं कि हम 1 साल का ही हमें करना है, 1.5 साल का ही हमें करना है, UPSC ने कहा क्या कि मैं 2 साल का पूछूंगा। इसलिए मैंने क्या कहा आपको कि 3 साल पहले भी एक आधी अगर न्यूज़ में आ गई है चर्चा जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, तो आपको पूछी जाएंगी। इसलिए मैंने कहा कि करंट अफेयर्स का कोई बंधन नहीं है कि आपको 2 साल का ही करना है या फिर 1 साल का ही करना है, 3-4 साल पहले एक आधा न्यूज़ में आ गया, हो सकता है वो प्रीलिम्स में या फिर मेंस में ना पूछा जाए, इंटरव्यू में तो पूछा ही जाएगा। इसलिए आप अगर आप 11-12 से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास वहाँ से भी करंट अफेयर्स का कलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि आपको इश्यूज समझने चाहिए, आपकी उस पर ओपिनियन बनना चाहिए, राय बननी चाहिए, जो आपको प्रीलिम्स में भी मेंस में काम आएगी और इंटरव्यू में काम तो आएगी, ठीक है। तो अभी से आपको सीरियसली न्यूज़पेपर पढ़ना है जिसमें ये सारे न्यूज़ अगर आ गई तो आपको वो कलेक्ट करके अपने पास रखना है। इसलिए मैंने कहा कि स्पेसिफिक इसका एक रजिस्टर बनाओ जिसमें हम कल से एक एक टॉपिक कवर अप करेंगे और उसके रिलेटेड मैंने कहा कि अगर कुछ न्यूज़ आ गई उसको कट करना है और वहाँ पे स्टेपल करना है सीधा सीधा, यानी क्या कि आपके पास एक जगह स्टैटिक पार्ट भी होगा जो सिलेबस का है, दूसरा पार्ट होगा वो करंट का है, दूसरी जगह आपको देखने की ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो ये सारा का सारा सिलेबस है जिसके रिलेटेड जो NCERTs हमारे इंपॉर्टेंट है उसको हम कल से देखेंगे और कवर अप करेंगे स्पेसिफिकली। तो स्पेसिफिकली आपकी 10th की NCERT इंपॉर्टेंट बन जाती है, 11th की NCERT इंपॉर्टेंट बन जाती है और 12th की NCERT इंपॉर्टेंट बन जाती है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो लेकिन आपके पास अगर टाइम है स्पेसिफिकली तो आपको 6 से 12 की पढ़नी ही पढ़नी है। मैं आपको स्पेसिफिक ऐसा नहीं पढ़ूंगा कि आज हम 6 के ले रहे हैं, 7 के ले रहे हैं, नहीं, आपको साइडली आपकी रीडिंग रखनी है और जो क्लास में मैं नोट्स दूंगा वो स्पेसिफिकली NCERT के इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वही की नोट्स रहेंगे, जो एरियाज सिलेबस रिलेटेड है और कुछ सिलेबस में जो टॉपिक्स हमने देखे वो NCERT में नहीं कवर अप होंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये कंबाइन है सारे के सारे, प्रीलिम के और मेंस के भी है, यानी क्या कि वो आपके NCERT में भी इंक्लूड है, आपके रेफरेंस बुक्स में भी इंक्लूड है। तो अब जब आप M. लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, DD बसु पढ़ोगे या फिर किसी क्लास की नोट्स पढ़ोगे फॉर द पॉलिटी, तो उसमें बाकी के जो एरियाज है वो ऑब्वियसली कवर अप होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आपको साइडली आपको मैंने कहा आपको कि जैसे हम पढ़ रहे हैं आपको NCERT 6 से स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपको पढ़ना है क्योंकि बहुत बेसिक और बहुत ईजी लैंग्वेज में दे गए सारे की सारी चीज़, ठीक है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको समझ में आएगा तभी आपको रेफरेंस बुक समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं समझेंगे पॉलिटी। पॉलिटी जितना इजी है, मैं कह रहा हूँ पॉलिटी जितना बच्चों को इजी लगता है, 90% बच्चे पॉलिटी रट रट कर सारा तैयार कर लेते हैं, लेकिन 20 में से सिर्फ 10 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं या फिर आते हैं उनको करेक्ट,
रट तो रहे, सारी चीजें उनको पता है, लेकिन 50% ही उन सक्सेस रेशियो क्यों है, रटने के बाद भी जो कॉमन सेंस वाली चीजें वो उनको पता नहीं चलती, क्योंकि 20 क्वेश्चन अगर पॉलिटिकल आ रहे तो 5 से 6 क्वेश्चन कॉमन सेंस है, जहां पे आपको आपका नॉलेज नहीं काम करेगा, जहां पे आपका नॉलेज नहीं, मैंने कहा ना कल परसों आपको बताया था कि स्पेसिफिक क्वेश्चन लिबर्टी और फ्रीडम में डिफरेंस पूछा गया। अभी लिबर्टी और फ्रीडम आपके सिलेबस में यहाँ पे कहीं आया है, नहीं है, लेकिन लिबर्टी और फ्रीडम स्पेसिफिकली आपके कुछ जगहों पर मेंशन है सिलेबस में, जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हो तब, ठीक है, स्पेसिफिकली, तो उसमें डिफरेंस क्या है, कॉमन सेंस क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके प्रीलिम्स में, जहाँ पे आपका नॉलेज नहीं काम करता। सो हम कल से स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली जो हमारी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है उसके साथ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।